एवरीवन, तो हम आ गए हैं ज्योग्राफी क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है एक लैंड जिसमें हम लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस ग्रो करते हैं, हम लोग सीरियल्स ग्रो करते हैं, हम लोग फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? वो हुआ एग्रीकल्चर। तो इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। अब क्या हो गया एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री क्या हुआ? तो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री हुआ कि इंडिया में एग्रीकल्चर जो है अगर वो नहीं होगा तो इंडिया ही नहीं, बाहर के लोग भी जो है, बाहर के लोगों के लोगों का अपना अपना वे है, अपना वे ऑफ ग्रोइंग फूड है, लेकिन कुछ फूड ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो इंडिया से ही बाहर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो इसीलिए इंडिया एग्रीकल्चरली बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसका इंडिया में जो एग्रीकल्चर हो रहा है उससे कहीं ना कहीं वर्ल्ड में कोने कोने में भी लोग जो है उस चीज का यूज कर रहे हैं। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एंगेज है ना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लगी हुई है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। और एग्रीकल्चर एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे वो फूड प्रोड्यूस होता है जो हम सब खाते हैं, ठीक है? इट इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। दिस इज नॉट समथिंग कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो और सिर्फ कुछ लोग उसका यूज कर रहे हैं। वो जो भी है, अब चावल है, हर कोई चावल खाता है। इंडिया में ऐसा कोई नहीं होगा या बाहर भी ऐसा कोई नहीं होगा जो चावल ना खाता हो। तो चावल हर कोई खाता है, ठीक है? दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटीरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। फूड ग्रेन तो प्रोड्यूस कर रहा है पर रॉ मटीरियल भी प्रोड्यूस कर रहा है इंडस्ट्रीज के लिए। तो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटीरियल? क्या आप कोई इंडस्ट्री बता सकते? सोचिए, मतलब पॉज करके सोचना, क्योंकि अब तो मैं बता ही दूंगी। तो क्या होगी? एक होगी कॉटन। कॉटन इज अ रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर। आप उसको ग्रो करोगे, कॉटन होगा, फिर उस कॉटन से क्या होता है? कॉटन बॉल्स बनती है, उस कॉटन से धागे बनते हैं, कपड़ा बनता है। उसी कॉटन से आप अपना हमारे फेस के लिए कॉटन पैड्स बनते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीजें किससे बनती? कॉटन से बनती है। जूट हो गया, ठीक है? जूट इज वन एग्जाम्पल की जूट से क्या बनते हैं? जूट के बैग्स बनते हैं, ठीक है? और क्या एग्जाम्पल हो गया? एक एग्जाम्पल ये हो गया कि पेपर, ठीक है? पेपर अब वुड हो गई, वुड से पेपर बनता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। तो ये क्या हुआ? ये रॉ मटेरियल हुए। ये सब क्या हुआ? ये रॉ मटेरियल हुए जो हमें एग्रीकल्चरल फील्ड से मिलते हैं। किसके लिए? इंडस्ट्रीज के लिए मिलते हैं। मोर ओवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। एज आई सेड कि कुछ स्पाइसेस हो गई, टी हो गई, कॉफी हो गई, ये एक्सपोर्ट भी करी जाती है। तो एग्रीकल्चर क्या हुआ? इज वन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है? एक्टिविटी है, प्राइमरी है, प्लस 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज कंज्यूम इज इन दिस एक्टिविटी, ठीक है? हमारे यही देख लो, यहाँ पे मैं जितना भी देख लू सारे लोग एग्रीकल्चरल फील्ड्स में लगे हैं, ठीक है? पूरे उत्तराखंड में गांव हो गए, वहां पे भी, शहरों में इतना लोग नहीं लगे, गांव में बहुत लगे। बट देन यहाँ पे हर, जैसे मैं जहाँ रहती हूँ इस साइड, तो आपको मेरी नानी के घर के, तो हर पूरी लेन ऐसा दिखेगा आपको, सब वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में लगे हुए रहते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है? इंडिया क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या होगी? एग्रीकल्चर इज एन ओल्ड, एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आर कंट्री। ये एक बहुत एज ओल्ड, वही वा की सदियों से चलती आ रही है, ठीक है? लोग उगा रहे हैं, आज भी उगा रहे हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने सोचे कि अब हम छोड़ते हैं, हम नहीं उगाते, पर आज आगे भी करेंगे, करते रहेंगे। ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। लेकिन अब क्या हो रहा है? कल्टीवेशन थोड़ा चेंज आ रहा है। चेंज कैसे आ रहा है? किस बेसिस पे आ रहा है? एक तो आ रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट। आज एनवायरनमेंट कितना कैसा हो चुका है? कहीं ना कहीं पहले जो पॉल्यूशन नहीं था वो आज कितना बढ़ चुका है, ठीक है? दूसरी चीज क्या हो गई? दूसरी चीज हो गई कि टेक्नोलॉजी भी आ रही है। टेक्नोलॉजी पे भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर डिपेंड करता है। और एक सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस की एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे क्या वो कल्चरली एक्सेप्टेबल है,
प्लेस वेर यू आर डूइंग एग्रीकल्चर, क्या मतलब वो सब भी देखना पड़ता है, आस पड़ोस भी देखना पड़ता है, सोसाइटी भी देखनी पड़ती है. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. सब्सिस्टेंस क्या होगी कि पहले हम लोग अपने घर के लिए, पहले क्या होता था कि आप देखते थे लोग खेत में जाते थे अपने घर के लिए अनाज उगा रहे हैं, बो रहे हैं, उगा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उगा रहे हैं, खा रहे हैं, फिर उगा रहे हैं, अपना अपने लिए कर रहे थे. अब क्या, अब लोग कमर्शियल, अब लोग बेचने के पर्पज से फार्मिंग कर रहे हैं. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम आर प्रैक्टिस्ड. अब डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन सी फार्मिंग एक्टिविटीज जो प्रैक्टिस की जाती है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो हम आते हैं सबसे पहली टेक्निक पे जो कि है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो क्या होता है इसमें कि दिस इज, अब देखो प्रिमिटिव, आप ये याद रखना इसमें जो भी मेथड होंगे या जो भी फार्मिंग है ये एक ओल्ड टाइप ऑफ फार्मिंग है, ठीक है. पुरानी जो पुराने जमाने में जो चलती आ रही थी टेक्निक्स वो इसमें यूज कर रहे हैं, और ये फार्मिंग जो है ये भी पुराने जमाने की फार्मिंग कह सकते हैं आपको इसको, ठीक है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. नाउ व्हाट सी लाइन देखो ना, इज स्टिल प्रैक्टिस्ड मतलब अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है, मतलब कितने टाइम से आ रही होगी कि अभी भी प्रैक्टिस करी जा रही है. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. तो जी प्रिमिटिव फार्मिंग है, ये एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड में ही करी जाती है जिसमें प्रिमिटिव टूल्स जैसे कि हो गया, इसमें ऑनलाइन देखना कि कैसे दिखते हैं असल में, हो गया, दाव हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई, और इसमें जो कम्युनिटी है या फिर फैम कम्युनिटी लेबर मतलब आस पड़ोस के लेबर या फिर फैमिली अगर है तो अच्छी खासी फैमिली है तो फैमिली जो है वो ही वहां पे फार्मिंग करती है, ठीक है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून, ये मॉनसून पे डिपेंड करती है. नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये नेचुरल फर्टिलिटी मतलब ये केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स पे बिलीव नहीं करती है. एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशन टू द क्रॉप ग्रोन. सूटेबिलिटी मतलब कि बारिश, जैसे अगर कोई क्रॉप को बारिश की जरूरत है तो कहीं ना कहीं ये सूटेबिलिटी की बारिश होगी तभी हमारी क्रॉप ग्रो होगी, तो उस चीज पे भी डिपेंड करती है. आज तो फर्टिलाइजर आ गया, अगर किसी क्रॉप को बारिश की जरूरत है भी तो कोई फर्टिलाइजर डाल दो, कोई केमिकल डाल दो, वो तब भी ग्रो हो ही जाएगी. लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये वेट करते हैं कि बारिश आएगी तभी क्रॉप ग्रो होगी. इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या हो गया, अभी आगे देखो. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली. तो फार्मर्स क्या करते हैं इसमें, फार्मर्स सिर्फ वही चीजें प्रोड्यूस करते हैं जो उनकी फैमिली के लिए बेसिक नीड है, जो जैसे दाल चावल रोटी बस. वेन द सॉइल, जब उन्हें लगता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो वो क्या करते हैं, वो शिफ्ट करते हैं एंड क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन. तो वो क्या करते हैं, जो लैंड है जिसमें वो सब उगा, जब वो सोचते कि अरे अब तो ये लैंड खराब होने की उस पर, तो क्या करते हैं उन्होंने जो उगाया होता है या फिर फसल तो कट गई, कटने के बाद क्या करते हैं वो उस जगह पे आग लगा देते हैं. आग लगाने के बाद क्या करते हैं वो, कि दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउ नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. तो वो वेट करते हैं कि नेचर जो है वो नेचुरल प्रोसेस से सॉइल को क्या करेगा, फिर से फर्टाइल करेगा ताकि वो आगे क्रॉप्स ग्रो कर सके. लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो. लैंड प्रोडक्टिविटी लो है इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट. क्योंकि फार्मर फर्टिलाइजर या यूज नहीं कर रहा है, अदर फॉर्म ऑफ इनपुट या यूज नहीं कर रहा है. It is known by different names in different parts of country. And this is your thing that you have to watch and or you have to search ki kya bulate hai different. Abhi main to bol dungi tum bhul jaoge. It is zooming in northeastern states like Assam. ठीक है. अच्छा इसमें ना आंसर वैसे इधर ही दे रखा है कि it is zooming in northeastern states like Assam और मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. पमलाव इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड. ओके तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में, विच इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो यहाँ क्या हो रहा है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. तो ये वहां उस एरिया में प्रैक्टिस की जाती है जहां पे पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है. ठीक है, अब पॉपुलेशन ज्यादा है तो लैंड प्रेशर भी ज्यादा है लैंड पे, कि अब उतनी पॉपुलेशन के लिए उगाना भी है. इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मतलब लेबर की बहुत जरूरत है. लेबर एक ऐसे नहीं, एक दो, चार पांच छह सात लेबर चाहिए आपको. वेयर द हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स क्या हो गई, वो इनपुट्स जो
प्लांट्स को या फिर जो भी क्रॉप है उसे ग्रो करने में मदद करेंगे, सॉइल को फर्टाइल करने में मदद करेंगे, एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन, ताकि प्रोडक्शन जो हो वो ज्यादा हो. ठीक है. दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिविजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अन इकोनॉमिकल. द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. तो यहाँ क्या होता है कि जैसे मेरे पापा का लैंड है, तो मेरे पापा के 3 बच्चे मान लो, तो वो क्या करेंगे, अपना लैंड जो है वो तीनों में बांट देंगे. अब तीनों पे लैंड कम कम है, लेकिन वो बच्चे कोशिश करेंगे कि वो उतने से ही लैंड में इतना प्रोड्यूस कर ले कि उन्हें कोई और चीज, कोई और ऑक्यूपेशन करने की जरूरत ही ना हो. वो उतने ही छोटे से लैंड में ही खूब सारा प्रोड्यूस कर ले कि उन्हें कोई और ऑक्यूपेशन, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड की उन्हें जरूरत ही ना हो. दस देयर इज इनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर लैंड. इसीलिए एक पर्टिकुलर, उस एक पर्टिकुलर पैच ऑफ लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि उसको पहले तो इतनी पॉपुलेशन के लिए बनाना है, उसके पास उस पर फर्टिलाइजर्स भी नहीं है. ठीक है. तो दिस इज वॉट वी कॉल इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. तो अब हम आते हैं कमर्शियल फार्मिंग पे. तो मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कमर्शियल फार्मिंग का, कि यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स यूज करी जा रही है. क्यों करी जा रही है? क्योंकि देखो, आप अगर मॉडर्न टेक्निक्स यूज नहीं करोगे तो आपकी, मॉडर्न टेक्निक्स का भी एक रीजन है यूज करने का, जो अभी मैं बताऊंगी. तो कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली वो फार्मिंग है जो कमर्शियल तौर पे यूज करी जाएगी, मतलब मार्केट के लिए यूज करी जाएगी. ठीक है, लोगों के लिए बेचने के लिए यूज करी जाएगी. तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे HYV सीड्स का यूज होता है. ठीक है. तो जो क्रॉप एक लैंड में, जितने मतलब एक सिंपल अगर हम HYV सीड्स का यूज ना करें तो जितनी क्रॉप ग्रो होगी HYV सीड्स डाल के, वो क्रॉप 10 times ज्यादा ग्रो करेगी. मतलब एक पर्टिकुलर लैंड है, ठीक है, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं, उसमें HYV सीड्स नहीं डाली गई है, तो वो प्लांट कितनी, वो लैंड कितनी, इतनी क्रॉप ग्रो करेगा. ठीक है, इतनी, ये जितना एरिया बचा है ना, सिर्फ इतनी क्रॉप ग्रो करेगा. लेकिन आप अगर HYV सीड्स डाल दो तो वही लैंड उतनी ही सीड्स में इतनी क्रॉप ग्रो कर देगा, मतलब 10 times बढ़ा देगा. ठीक है, क्रॉप्स की क्वांटिटी को. फिर क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स. केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में जो क्रॉप, जो सॉइल को अच्छा करते हैं, ठीक है, सॉइल क्रॉप्स के लिए अच्छी बनाते हैं. फिर इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी, मतलब कीड़े वीड़े मारने के लिए ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये वो चीजें हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं. ठीक है, जिससे फार्मिंग होती है. द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो ये वेरी करता है एक रीजन से दूसरे रीजन में. जैसे कि राइस जो है वो कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में. ठीक है, हरियाणा और पंजाब में जो है, अब हरियाणा पंजाब में बेसिकली देखो तो मक्की दी रोटी चलती है ना, राइस इतना नहीं चलता है, लेकिन वो वहां की कमर्शियल क्रॉप है. ठीक है, वहां पे वो क्रॉप ग्रो किस लिए करी जा रही है, वहां पे वो क्रॉप एक्सपोर्ट करेंगे बाहर, दूसरे स्टेट्स में पहुंचाने के लिए ग्रो करी जा रही है. लेकिन उड़ीसा जहां पे राइस जो है वहां के लोग खाते हैं, तो वहीं पे वो क्या होगी, होगी सब्सिस्टेंस क्रॉप, मतलब अपने लिए वो लोग ग्रो कर रहे हैं. प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग. प्लांटेशन भी एक कमर्शियल फार्मिंग हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इस टाइप ऑफ फार्मिंग में एक सिंगल क्रॉप ग्रो हो रही है. ठीक है, एक बड़े से पैच ऑफ लैंड में एक सिंगल क्रॉप ग्रो हो रही है ऑन लार्ज एरिया. द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री. तो क्यों है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में इंटरफेस, कि आपने एक लैंड लिया. ठीक है, उस लैंड में अब जैसे हमारे यहाँ पे प्लांटेशन फार्मिंग बहुत होती है. यहाँ पे जूट की हो गई, जूट की सॉरी, यहाँ पे ये बैम्बू हो गया. ठीक है, वो क्या, शुगर केन हो गया, उसकी बहुत प्लांटेशन होती है. मतलब एक सिंगल लैंड में वो खूब सारे बैम्बू, ये शुगर केन उगा देते हैं. तो कहीं ना कहीं वो किस पर्पज के लिए हो रहा है, वो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए हो रहा है. ऐसे ही एक पैच ऑफ लैंड में वो कॉटन ही कॉटन उगा देते हैं. तो वो किसके लिए, अब वो अपने लिए नहीं उगा रहे, अब खुद क्या करेंगे इतनी कॉटन का, वो कॉटन कहाँ जाती है, इंडस्ट्रीज में जाती है. तो प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर. तो माइग्रेंट लेबर क्या हुई, जो लेबर बाहर से, मतलब कहीं से आता है और एक पर्टिकुलर जगह पे. अब देखो, आप एक इंडस्ट्री के साथ, आप मैं हूं, ठीक है, मैं एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ. मेरा एक लैंड है, मेरे को वो इंडस्ट्री ने कहा है कि आपको हमें एवरी मंथ जो है, या फिर एवरी डे, मान लो एवरी डे आपको हमें इतना कॉटन भिजवाना है. मैं अपने यहाँ कॉटन की खेती करा रही हूँ, मैंने बहुत बड़ा लैंड ले रखा है.
लैंड, ऐसा नहीं छोटा मोटा लैंड, लैंड भी फिर बड़ा लैंड चाहिए। तो मैंने बड़े लैंड में कहा, अब क्योंकि मेरा तो ये काम हो गया ना कि मेरे को एवरी वीक या फिर एवरी मंथ मेरे को उन तक एक पर्टिकुलर पैच ऑफ कॉटन जो है वो भिजवाना ही भिजवाना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं अब वहां के लोकल लेबर्स तो होंगी पर मैं उनको भी बुलाऊंगी जो माइग्रेंट, जो स्किल्ड लेबर्स भी होंगी, जैसे माइग्रेंट जो कहीं से आते हैं, मैं उन्हें बोलूंगी तुम्हें ये, क्योंकि वो तो ये हो गया ना कि एक दिन का काम नहीं, वो हो गया कि आप सालों साल वो काम कर रहे हो, एक तरह से आप जॉब कर रहे हो उस फील्ड में आके, ठीक है, आप लेबर कर रहे हो, आपको एवरी डे का पैसा मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें माइग्रेंट लेबर्स भी आते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज एज रॉ मटेरियल इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। तो कॉटन उगा है तो कॉटन एज ए रॉ मटेरियल क्या होगा, एक वो इंडस्ट्री यूज कर रही है। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप। तो इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये कुछ एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स के। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफी, टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल, कॉफी इन कर्नाटका आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इंडस्ट्रीज एंड मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। तो वो प्लांटेशन अगर मैं कर रही हूँ तो वो तभी चलेगी जब मेरे पास, अब मैं अपने यहाँ से वहां तक ट्रांसपोर्ट भी चाहिए कि वो सामान ले जाया जाए, मेरे को मार्केट भी देखना है, ठीक है, मार्केट भी देखना है। अगर उस, अगर वो इंडस्ट्री मेरे से कॉटन मांग रही है, ठीक है, कॉटन मान लो वो मांग रही है कि उन्हें सिंथेटिक, वो फेस के लिए होते हैं ना कॉटन, कॉटन पैड्स होते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए, उन्हें वो बनाना है, ठीक है। अब क्या हुआ, उनकी उनका कोई वो कॉटन पैड यूज नहीं कर रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं पसंद आ रहा, हम नहीं कर रहे, तो वो इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो वो बंद होगी तो मेरा भी तो प्लांटेशन बंद हो जाएगा ना, फिर मैं इतनी कॉटन कहाँ लेके जाऊंगी, जब मेरी वो कॉटन, मेरी पूरा वो पैच ऑफ लैंड जितना भी है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो अगर उसका नुकसान होगा तो मेरा भी नुकसान होगा, वो मेरे से भी नहीं लेगा फिर कॉटन, तो मैं उस बड़े लैंड का करूंगी क्या। तो प्लांटेशन जो है कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मार्केट प्ले पे भी। तो अब हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में कि क्रॉपिंग पैटर्न्स हमारी कंट्री में क्या होते हैं, ठीक है, कि क्या अलग अलग तरह के पैटर्न्स होते हैं या फिर हमारी जो क्रॉप्स है वो कौन सी अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीरियड पे ग्रो होती है। देखो हर हमारा जो 12 मंथ्स होता है वो अलग अलग तरीके से रहता है, कुछ गर्मियों के दिन होते हैं, शुरुआत से करें तो सर्दियां रहती हैं, फिर धीरे धीरे गर्मी आती है, फिर मानसून आता है, मानसून के बाद पतझड़ आती है, उसके बाद फिर सर्दी आ जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स जो हैं वो अलग अलग सीजन में ग्रो करती हैं, ठीक है। तो यू हैव स्टडी द फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड प्लुरैलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। हमने देखा कि डिफरेंट कितनी डाइवर्सिटी है ना, हमारे हर अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, हमने वो सब हमने पढ़ा है, लेकिन अब हम आगे यही पढ़ेंगे कि क्रॉप्स भी हमारे अलग अलग तरह की होती है, तो हम वही देखेंगे। तो हमारे यहाँ पे राबी, हमारे यहाँ तीन तरह की क्रॉप्स हैं डिफरेंट सीजन्स की, पहली है राबी, फिर है खारिफ एंड देन जैद। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो राबी क्रॉप्स जो है वो सोन होती है इन विंटर, विंटर में सोन होती है, तो आपको याद रखना है विंटर शुरू होती है अक्टूबर से, ठीक है, तो अक्टूबर से कब तक, दिसंबर तक उनको उगाया जाता है, ठीक है, रिमेम्बर अक्टूबर टू दिसंबर, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून, और ये अप्रैल टू जून भी हार्वेस्ट की जाती है, ठीक है। समर कब से होती है, हमारी समर होती है देखो मार्च, मार्च भी ऐसा महीना होता है जिसमें हल्की हल्की ठंड होती है, तो मेन गर्मी होती है अप्रैल से जून तक, जून के बाद क्या आती है मॉनसून होता है। तो समर सीजन क्या हुआ अप्रैल टू जून, और विंटर सीजन क्या हुआ अक्टूबर टू दिसंबर। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट राबी क्रॉप्स आर वीट, बाली, पीज, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये क्या है, ये कुछ राबी क्रॉप्स है जो इस समय ग्रो होती हैं। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्टेट सच एज पंजाब, देखो ये मैप में आ सकते हैं कि राबी क्रॉप कहाँ ग्रोन होती है, तो पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, उत्तरांचल में होती है, उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स जो है ग्रोन होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड अदर राबी क्रॉप्स, ठीक है। अवेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेचर साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप। तो जो ये साइक्लोन आता है ना, वो हवा चलती है जो उस वजह से ये क्रॉप्स जो है ये अच्छे से ग्रो हो पाती है। हाउ एवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन
पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज ऑल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबव मेंशन क्रॉप। और जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ये एक तरीके से जो ये ग्रीनरी है ठीक है, इन वजह से भी ये क्रॉप्स जो है ये ग्रो होने में, देखो फर्टिलिटी भी होती है ना इस वजह से, तो क्रॉप्स जो है आराम से ग्रो करती है। तो ये था हमारा रबी क्रॉप्स के बारे में। फिर होती है खारिफ क्रॉप। तो खारिफ क्रॉप्स जो है ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून, तो जब मॉनसून आता है ना तो ये तब ग्रो करती है ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड दीज आर हार्वेस्टेड इन सेप्टेम्बर और अक्टूबर ठीक है, ये दो महीने में ये हार्वेस्ट की जाती है। इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जो इस सीजन में ग्रो करती है वो है पेडी, मेज, जोवर, बाजरा, तोर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो अब देखो इस चीज में एक ये भी है कि अगर हम लोग देखें तो उड़द हो गई जैसे ठीक है, ये बाजरा हो गया, ये सब क्या होती है ठंडी सर्दियों की खाने का हमारा चीज होता है ना, हम सर्दियों में इन सबको खाते हैं, तो ये मानसून में ग्रो करती है, तो हमारे हमको अवेलेबल कब तक होती है, विंटर्स में अवेलेबल हो जाती है। तो जस्ट रिमेम्बर इट लाइक दिस। उसके बाद क्या है स्टेट्स, जिन स्टेट्स में ये ग्रो करती है, तो स्टेट्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, अच्छा ये राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट, तो ये पंजाब और हरियाणा की भी इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी है। पहले भी आपको बताया था कि पंजाब हरियाणा की कमर्शियल क्रॉप है ना, तो ये कमर्शियल क्रॉप कहाँ की है, पंजाब हरियाणा की। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा थ्री क्रॉप्स ऑफ पेडी आर ग्रोन इन अ ईयर, दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। तो ये तीन तरह की पेडी जो है यहाँ पे ग्रो की जाती है। अब देखो राबी और खारिफ तो हो गया ठीक है, राबी का आपको पता है राबी कब होती है, राबी होती है हमारी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तीन महीना। और कब होती है अप्रैल जून, दो महीना ठीक है, अप्रैल जून में भी होती है और अक्टूबर नवंबर दिसंबर होती है। और जो खारिफ क्रॉप होती है, खारिफ क्रॉप आपकी होती है मॉनसून के टाइम पे, विच इज अक्टूबर एंड सॉरी सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये तब होती है, सिर्फ दो टाइम होती है। तो इनके बीच में रबी और खारिफ के बीच में एक सीजन आता है ठीक है, देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज जैद सीजन, इसको जैद सीजन बोलते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द जैद आर वाटरमेलन, मस्क मेलन, तो ये तो गर्मियों की चीजें होगी ना जो हम लोग खाते भी हैं गर्मियों में, वाटरमेलन अभी थोड़ी मिलेगा हमें ठीक है। वेजिटेबल्स एंड फूड क्रॉप शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर, तो शुगर केन तो ऑफकोर्स टेक्स एंड ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो, तो दीज आर द क्रॉप्स विच कौन से पीरियड की, जैद पीरियड की। तो राबी, खारिफ एंड जैद, ये तीनों आपको क्रॉप मिल गया। अच्छा जैद पीरियड का कोई ऐसा वो नहीं दे रखा है कि कौन से मंथ में होती है, तो ये इजी होगा आपके लिए आई गेस ठीक है। तो ये हुई हमारी राबी, खारिफ एंड जैद। तो आई अच्छा एक और रिवीजन करते हैं, राबी क्रॉप्स जो होती है, राबी क्रॉप्स हमारी ग्रो होती हैं अक्टूबर टू, मैं देख रही हूँ कि मैं सही तो बोल रही हूँ ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है और अप्रैल मई जून ठीक है, अप्रैल मई जून में भी होती है ठीक है। देखूँ मैं एक बार, मुझे याद तो है बट देन चेक करना भी बनता है, अप्रैल मई जून होती है, तो अप्रैल मई जून होती है और कहाँ होती, कब होती है हमारा अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और जो राबी खारिफ क्रॉप होती है वो सिर्फ दो महीना होती है, विच इज सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर। देन जैद क्रॉप आती है, वो होती है राबी और खारिफ के बीच का जो सीजन होता है ना, सो जो कौन सा होगा वो होगा जुलाई ठीक है, जुलाई अगस्त, मतलब ये मैं बता रही हूँ आपको, इसमें लिखा नहीं कि जुलाई अगस्त, पर यही दो महीना बचा, तो ये लिखना मत कि जुलाई अगस्त को होती है, बस मैं बता रही हूँ कि इन बिटवीन होती है इन दोनों के ठीक है। अब हम आते हैं हमारी मेजर क्रॉप्स में, अब हम आते हैं हमारी मेजर क्रॉप्स में। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी होती है, वो होती हैं जो हम लोग ज्यादातर खाते हैं। अब एक मतलब खुद सोचो आप, ज्यादातर ऐसी कौन सी सब्जी है, ऐसा कौन सा फ्रूट है जो आप ज्यादातर खाते हो, या फिर ऐसी कौन सी पल्सेस है, या फिर ऐसी क्या कौन सा सीरियल है जो आप ज्यादा खाते हो। राइस है ना, राइस एक एग्जाम्पल हो गया, गेहूं एक एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि हम रोटी भी खाते हैं, अब राइस खा रहे तो रोटी, तो ये दो चीजें तो ऐसी हैं जो हम ऑब्वियसली खाते ही खाते हैं, मतलब हमको ये चाहिए, चाहे कोई भी सीजन हो, अदर देन यू आर ऑन डाइट तो आप ये खाओगी, मतलब डाइट में होगे तब भी ये तो खाओगी ना, रोटी तो खाओगी। तो क्या है, ये दो ऐसी चीजें जो हमें कभी ना कभी चाहिए, मतलब हर सीजन हमें हर वक्त, चाहे गर्मी हो, ठंड हो, मानसून हो, कभी भी हो, हमें ये दो चीजें चाहिए ही चाहिए होती। तो ये इनका मतलब क्या होता है, ये होती है मेजर क्रॉप्स जो हमारी पूरी पॉपुलेशन खाती है।
ठीक है, हमारी एंटायर कंट्रीजन क्रॉप्स में सबसे ज्यादा निर्भर है। अगर सोचो राइस ना हो और गेहूं भी ना हो तो क्या होगा, खाली दाल पियोगे, यही हो सकता है ना। तो ये क्या होती है, ये होती है मेजर क्रॉप्स। तो अ वेराइटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल क्लाइमेट एंड कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस। तो हमारी कंट्री में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड क्रॉप्स भी होती है, नॉन फूड क्रॉप्स भी होती हैं। तो ये क्या होती है, हमारी ग्रो होती है हमारी कंट्री में, और कहीं ना कहीं ये क्रॉप्स जो होती है ये सॉइल क्लाइमेट और कल्टिवेशन प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट भी होती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी भी है। अब पूरे भारत हमारा, चाय तो पूरा भारत पीता है, तो टी होगी, कॉफी भी पीते हैं, ठीक है। शुगर केन हो गया, शुगर केन से हमें चीनी चाहिए होती है, तो चीनी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन ऑयल सीड्स, बिना ऑयल के आप खाना कैसे बनाओगे। कॉटन हो गई, कॉटन इज ऑल्सो नेसेसरी, ठीक है। जूट हो गया, सो दीज आर सम क्रॉप्स, फूड एंड नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्या हुई, कॉटन एंड जूट, तो फूड भी है नॉन फूड भी, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट दीज यू कांट लिव, है ना। तो राइस के बारे में पहले पढ़ेंगे, तो इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया ईट राइस, ठीक है। राइस हर मतलब ज्यादातर तो खाएंगे ही खाएंगे, है ना। आर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, क्योंकि चाइना की भी पॉपुलेशन ज्यादा है एंड दे ऑल्सो नीड राइस, क्योंकि वो भी तो बनाते हैं ना। अगर आप लोगों ने शिनचैन देखा होगा तो आपने वो देखा ना, वो व्हाइट कलर के वो राइस केक बोलता था ना, वो राइस केक्स बनाते हैं वो लोग। सो राइस वो लोग भी बहुत खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इट इज अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। नाउ व्हाई दिस इज अ खारिफ क्रॉप, बिकॉज इट इज ग्रोन इन द सीजन ऑफ इन द खारिफ सीजन। एंड खारिफ सीजन कब होता है, खारिफ सीजन होता है हमारा सेप्टेम्बर अक्टूबर में, तो ये तब ग्रो करी जाती है। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर। सो दैट इज व्हाई दिस इज ग्रोन इन द मॉनसून सीजन, क्योंकि इसको रेनफॉल की भी जरूरत है, ठीक है। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, और जहां पे रेनफॉल अगर कम है वहां पे ये इरिगेशन से ग्रो कर देते हैं। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्लेन्स में ग्रो होती है, प्लेट्यू में नहीं होती है, प्लेट्यू में नहीं हो पाएगी, कोई भी क्रॉप नहीं हो पाएगी। तो ये मतलब देखो ये चीजें ऐसी है ना, अब मैंने आपको ये चीज की बताई कि प्लेट्यू में नहीं हो पाएगी। सो आप कई जन ने सोचे होंगे कि हम लोग ये लिख देंगे राइस इज ग्रोन इन नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो अब आपके दिमाग में लगा कि प्लेट्यू में तो हो नहीं पाएगी तो प्लेन्स में ही हो पाएगी, तो राइस कैन ग्रो इन द प्लेन्स, ठीक है। तो ये कुछ चीजें, ये अच्छे वर्ड्स होते हैं, ये हार्ड वर्ड्स होते हैं जो कि आपको मार्क्स मिलने में सहायता करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। तो अब क्या हो गया, अब कैनल्स बन गए हैं, अब आपके ट्यूबवेल्स बन गए, तो अगर कहीं पे बारिश नहीं भी है तो वो क्या करेंगे, वो ग्राउंड वाटर को ऊपर, हमने ये वाटर रिसोर्सेज में पढ़ा ना कि कहीं फार्मर्स क्या करते हैं, अपना ट्यूबवेल या अपना वो लगा देते हैं, ये अपना वेल लगा देते हैं, फिर क्या करेंगे ग्राउंड वाटर को खींचते हैं, फिर उस पानी से वो राइस को उगाते हैं। तो इवन इफ देयर इज अ प्लेस, इवन इन द प्लेसेस लाइक राजस्थान, राइस कैन बी ग्रोन इजिली, ठीक है। अब क्या है, सच एज हरियाणा, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, एज आई सेड। तो अब वीट के बारे में आते हैं, तो वीट क्या, वीट इज ऑल्सो एसेंशियल, रोटी बनती है उससे। तो दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। इट इज द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में मेन क्रॉप है, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग राइस ही, सॉरी वीट ही खाते हैं, मतलब रोटियां ही खाते हैं। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। तो अब ये राबी सीजन में ग्रो होती है, दैट मीन्स इसकी फसल, अब ये मैं बता रही हूँ आपको कि इसकी फसल लग जाती होगी, जैसे इन्होंने हमारा राबी सीजन कब होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मान लो दिसंबर में फसल लगी, ठीक है, ये धीरे धीरे ग्रो होने लगी। उसके बाद हमने क्या कहता था, हमारा सेकेंड राबी सीजन आता है अप्रैल मई जून में, तो ये तब तक क्या, अप्रैल तक ये कब क्या हो जाती है, पकने लग जाती है। तो उस टाइम क्या होती है, खूब धूप होती है, तो इसको धूप मिल जाती है, मानसून होता नहीं है, तो ये इजीली उस टाइम पे ग्रो कर जाती है। आई होप आपको मेरी फिलॉसफी समझ आई हो। ओके, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड
ओवर द ग्रोइंग रीजन सीजन. तो इसको 52 से, इसको ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए, जस्ट 50 to 75 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि ठंड में हो जाती है ना, ये जनवरी के महीने में तो होती है बारिश. देर आर टू इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड द ब्लैक सॉइल रीजन इन द डेक्कन प्लेट्यू. ठीक है, इन द रीजन ऑफ द डेक्कन. ठीक है, तो ये यहाँ पे ग्रो करी जाती है. द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. यहाँ पे ये क्या होती है, ग्रो होती है. इसके बाद आते हैं मिलेट्स. तो मिलेट्स क्या होती है, जैसे हमारा ज्वार हो गया, हमारा बाजरा हो गया एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया. ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठंड में ज्यादातर लोग बाजरा ही खाते हैं, है ना. बाजरे की रोटी सुना होगा ये, मतलब बाजरा, मेरे को बाकी नहीं पता, ज्वार और रागी मैंने इतना नहीं सुना, बट बाजरा आई नो कि ठंड में हम भी खाते हैं बाजरे. आज हमारे यहाँ बाजरे की रोटी बन रही है. दो दीज आर नोन एज कोरस ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू. तो इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, तभी तो हम कहते हैं ठंड में जो है बाजरे की रोटी खाओ, क्योंकि इसकी ये बहुत, इसमें बहुत न्यूट्रिशन होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, ठीक है, एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो जो छोटे छोटे न्यूट्रिशन है, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे बट हैं. ठीक है, जोवर इज द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. तो जोवर जो है वो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है, उसका एरिया भी इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, उसका प्रोडक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बोथ वेज में. इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन. तो इसको मॉइस्ट एरिया, नमी वाली जगह चाहिए ताकि ये ग्रो कर सके. ठीक है, महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जोवर, फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. तो महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ जोवर. ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र के बाद है कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, देन मध्य प्रदेश. तो बाजरा ग्रोस वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शेलो ब्लैक सॉइल. तो ये बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो कर पाता है. राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर हरियाणा. तो राजस्थान में बाजरा आपको सबसे ज्यादा, क्योंकि राजस्थान में ही बाजरे की रोटी सबसे ज्यादा आपको मिलती है. ठीक है, रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन. तो रागी जो है वो ड्राई रीजन की क्रॉप है, उसको मॉइस्चर ये सब नहीं चाहिए. एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल. तो ये इन सभी सॉइल्स में जो है वो आसानी से ग्रो कर जाती है. कर्नाटका इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद तमिलनाडु है. ठीक है, इन स्टेट्स के अलावा ये हिमाचल में भी ग्रो हो जाती है, ये उत्तरांचल में भी होती है, सिक्किम में भी होती है, झारखंड में भी होती है, और अरुणाचल प्रदेश में भी ग्रो हो जाती है. ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेज. तो इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर. ठीक है, ये फूड के लिए भी यूज हो रही है, फूडर के लिए भी यूज हो रही है. इट इज, ये खारिफ क्रॉप है, जिसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए होता है. और ये एलुवियल, ओल्ड एलुवियल सॉइल में, पुरानी एलुवियल सॉइल जो है उसमें आसानी से ग्रो कर जाती है. बिहार मेज इज ग्रोन इन बिहार में मेज रावी सीजन में ग्रो हो सकती है. ठीक है, यूज ऑफ मॉडर्न, इसमें मॉडर्न इनपुट जैसे HYV सीड्स चाहिए होती है, फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, और इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ मेज. तो ये सब चीजें होगी तो इसका प्रोडक्शन जो होगा वो ज्यादा से ज्यादा होगा. मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. ये इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. ठीक है, फिर आती है पल्सेस. तो पल्सेस, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन इंडिया. तो पल्सेस जो है इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी हो रही है, कंज्यूम भी हो रही है. ठीक है, इंडिया में कंज्यूम भी पल्सेस जो है इंडियन ज्यादा. देखो, बाहर का आपने देखा होगा, कोई भी फॉरेनर इतनी पल्सेस नहीं खाता. अब वहां पे आपको राजमा नहीं मिलेगी, फॉरेन में जाओगे तो आपको राजमा नहीं मिलेगी. ठीक है, तो पल्सेस इंडिया कंज्यूम भी कर रही है और प्रोड्यूस भी कर रही है. दीज आर मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट. तो ये मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, कहते हैं ना दालें खाओ सेहत बना, तो मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन. मेजर पल्सेस डेट आर ग्रोन इन इंडिया टूर, मतलब अरहर की दाल, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम. ये तो आपको पता ही होगा, आपके घर में रोज बनती होंगी. तो कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खारिफ एंड विच आर ग्रोन इन द रावी सीजन. तो पल्सेस विच पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर. अब इसमें आपको, ये आपका होमवर्क है कि आपको देखना है कि कौन सी सीजन में कौन सी ग्रो होती है. तो पल्सेस को जो है उसको
लेस मॉइस्चर चाहिए होता है, और वो ड्राई सीजन में भी मतलब ग्रो कर लेती है, इतना कोई दिक्कत नहीं उसको कि बारिश में ही ग्रो करना है। तो अगर उसको बारिश में ही ग्रो करने वाली बात नहीं है तो वो क्या होगी, वो हो गई कहीं ना कहीं आपकी राबी क्रॉप। ठीक है, बींग लेजुमिनियस क्रॉप ऑल दीज क्रॉप एक्सेप्ट अरहर हेल्प इन रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। तो ये सॉइल फर्टिलिटी को क्या करती है, हेल्प करती है कि रिस्टोर करती है कैसे, एयर से न्यूट्रिशन को सॉइल में भेजकर। उसके बाद है देयर फोर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप। तो ये रोटेशन मतलब एक के बाद एक ऐसे रोटेशन में ग्रो होती है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये मेजर पल्सेस प्रोड्यूसर इन इंडिया है। तो अब आते हैं फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स। तो अब हम आते हैं उन क्रॉप्स पे जो ग्रेन्स, मतलब ग्रेन्स अभी हमने देखे, पल्सेस सीरियल्स हमने देखे, अब हम आते हैं फूड क्रॉप्स में अदर देन ग्रेन। तो सबसे पहले आता है हमारा शुगर केन। तो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ठीक है, ट्रॉपिकल वेदर में भी हो जाती है, सब ट्रॉपिकल में भी हो जाती है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में इसे ग्रो कर हो जाती है। और एनुअल रेनफॉल चाहिए इसे फ्रॉम 75 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हल्की फुल्की रेनफॉल चलेगी, एंड 100 सेंटीमीटर मतलब ठीक ठाक रेनफॉल चल जाएगी। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन ऑफ लो रेनफॉल। अगर अगर रेनफॉल जो है वो लो है तो इरिगेशन रिक्वायर्ड होता है वहां पे। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। ये वेराइटी किसी भी सॉइल में ग्रो करती थी, पर इसको क्या चाहिए, मैनुअल लेबर चाहिए। ठीक है, मैनुअल लेबर चाहिए सोइंग के लिए भी और हार्वेस्टिंग के लिए भी। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर ग्रेन ओनली आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील के बाद इंडिया ही है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर। ये देखो शुगर केन मैंने क्या कहा, ग्रो क्यों करती है, शुगर के लिए, जैगरी के लिए मतलब गुड़ के लिए, ठीक है, खांडसरी के लिए एंड मोलासेस के लिए। तो इन सभी को बनाने के लिए क्या जरूरत है, शुगर केन की जरूरत है। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश में होती है, महाराष्ट्र में होती है, कर्नाटका में होती है, तमिलनाडु में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है, बिहार में होती है, पंजाब में होती है, हरियाणा में होती है, हमारे यहाँ भी होती है, लेकिन यहाँ का नाम नहीं दिया है क्योंकि यहाँ मेजर प्रोड्यूसर नहीं है शुगर केन के, यहाँ बस किसी का मन कर दिया तो वो कर लेगा प्रोड्यूस। फिर आती है ऑयल सीड्स। तो ऑयल सीड्स क्या है, अब देखो बिना ऑयल के खाना कैसे बनेगा, घी भी चाहिए, तेल भी चाहिए। तो घी तो खैर किससे बनता है, घी आपका बनता है दूध को फाड़ के, उस चीज से बनता है। पर ऑयल कैसे बनता है, ऑयल एग्रीकल्चर मतलब ग्रो होता है ऑयल। ठीक है, तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड। इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड्स का। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया जो कंट्री का है उसमें ऑयल ही जो है उगता है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट। ठीक है, मेन ऑयल सीड्स हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम जिसको हम तिल का तेल भी कहते हैं, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। तो इन सब का क्या होता है, इन सीड से क्या होता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, ऑयल बनता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम्स। तो इनमें से ज्यादातर जो है वो एडिबल है और कुकिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइलमेंट। जैसे अब सनफ्लावर ऑयल है तो वो किस चीज के लिए यूज होता है, ये सोप बनाने के लिए है ना, वो फ्रेशनेस लाने के लिए, वो स्मेल फ्रेग्रेंस लाने के लिए। तो ये ऑयल्स कहीं ना कहीं इन चीजों में भी यूज किए जाते हैं। अब देखो कोकोनट ऑयल बाल में भी लगाते हो, आप खाने में भी यूज करते हो, तिल का तेल आप पूजा में भी यूज करते हो, खाने के लिए भी यूज करते हो, तो ये कैस्टर ऑयल का भी यही है। तो अच्छा, कैस्टर ऑयल मैंने बता दिया। तो ये क्या हुए, ये कुछ एग्जांपल्स हुए। ठीक है, ग्राउंडनट इज अ खारिफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर इन द कंट्री। तो ग्राउंडनट जो है वो एक खारिफ क्रॉप है और कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स मतलब ज्यादातर ऑयल इसी से बनता है। आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय तमिलनाडु, फिर कर्नाटका है, फिर गुजरात है, फिर महाराष्ट्र एंड फिर मस्टर्ड है, सॉरी महाराष्ट्र है, और इसके बाद मस्टर्ड और लाइन सीड है, वो भी क्या है, वो है राबी क्रॉप। ठीक है, ग्राउंडनट खारिफ है तो मस्टर्ड और लाइन सीड लिन सीड क्या है, वो है राबी क्रॉप। सीसम फिर से खारिफ क्रॉप है, वो नॉर्थ में होता है, और राबी क्रॉप है साउथ में। ठीक है, सीजन नॉर्थ में राबी क्रॉप सॉरी खारिफ क्रॉप है, और साउथ में क्या है, राबी क्रॉप है। कैस्टर सीड्स इज ग्रोन बोथ, कैस्टर सीड जो है वो दोनों टाइम हो जाते हैं, मतलब राबी में भी होती है, खारिफ में भी होती है, मतलब पूरे साल होती है। फिर हम आते हैं टी पे।
तो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. तो टी कल्टीवेशन किसका एग्जाम्पल है? टी कल्टीवेशन है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल. इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. तो चाय पीते ना, विच इज बेवरेज, तो ठीक है इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है. ठीक है, इसको किसने? ब्रिटिशर्स ने बताया था इसके बारे में. टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियन. लेकिन आज ज्यादातर टी प्लांटेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज ओन्ड बाय इंडियंस ओनली. द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. इन दोनों क्लाइमेट में ग्रो कर जाता है इजिली. इंडोर विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल. डीप और फर्टाइल सॉइल चाहिए इसके लिए. टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर. तो इसको वार्म और मॉइस्ट फ्री, मतलब नमी वाला सॉइल या क्लाइमेट नहीं चाहिए. फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स. अगर फ्रीक्वेंट मतलब कभी कभी शार होगा तो वो आराम से ग्रो करेगा. टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. लेबर मतलब लेबर चाहिए इसके लिए, अच्छा खासा लेबर चाहिए. इट रिक्वायर्स एबुडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर. इसके लिए एबुडेंट चीप क्यों बोला? कि सस्ते में होंगे तो ज्यादा होंगे, तो और स्किल्ड लेबर्स चाहिए. ठीक है, टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस. टी को प्रोसेस भी टी गार्डन में किया जाता है ताकि वो फ्रेश रहे. मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं असम. देखो असम तो सबको पता होगा कि असम, असम की चाय बहुत फेमस है, तो असम तो हुआ ही हुआ. फिर दार्जिलिंग, असम हिल्स ऑफ दार्जिलिंग. फिर क्या हो गया? फिर हो गया जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला. ये कुछ मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं. उसके बाद है तमिलनाडु एंड केरला भी है. अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा में भी टी जो है वो उगती है. हमारे तो यहाँ सामने ही उगती है. ठीक है, इंडिया इज दी लीडिंग प्रोड्यूसर एज वेल एज एक्सपोर्टर ऑफ टी. यहाँ प्रोड्यूस भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है. फिर हम आते हैं कॉफी में. तो इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफी प्रोडक्शन. तो इंडिया पूरा वर्ल्ड में 4% ऑफ कॉफी जो है वो इंडिया में प्रोड्यूस होती है. ठीक है, इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. इंडिया की कॉफी वर्ल्ड में गुड क्वालिटी की वजह से बहुत जानी जाती है. द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुदन हिल्स एंड इवन टूडे कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरीन, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. तो इसमें ये दे रखा है कि जो एक अरेबिका वेराइटी है वो येमेन से आई थी. ठीक है, और प्रोड्यूस अभी हमारी ही कंट्री में हो रही है. कहाँ हो रही है? इस वक्त नीलगिरी में हो रही है, कर्नाटका में, केरला में भी हो रही है, तमिलनाडु में भी हो रही है. फिर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप. अब हम आते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में. तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड. तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल इन द वर्ल्ड में. ठीक है, फ्रूट्स भी यहाँ ज्यादा होते हैं, वेजिटेबल भी ज्यादा होते हैं. तो इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट. तो इंडिया मतलब ट्रॉपिकल बरसात वाले फ्रूट के लिए भी, बरसात वाला फ्रूट भी वो उगा देते हैं, ह्यूमिड वाला फ्रूट भी जो वो उगा देते हैं. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, चिरापुंजी, बनानास ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची एंड गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, पाइनएपल्स ऑफ मेघालय, ग्रेप्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एप्पल्स, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर इन ग्रेट डिमांड ओवर द वर्ल्ड. तो ये जितने भी स्टेट्स में जो जो फ्रूट्स हो रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड में ग्रेट डिमांड में है, क्योंकि इनकी क्वालिटी के लिए. और कहते हैं ना हम लोग की जो फ्रूट, मतलब अगर देखो एक फ्रूट होता है कि आप उसको पूरा केमिकल से बना रहे हो, एक फ्रूट होता है जो बिल्कुल टपका हुआ होता है तो वो कितना अच्छा लगता है. तो क्वालिटी की वजह से इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दीज फ्रूट्स. ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल. इंडिया वर्ल्ड की 13% वेजिटेबल जो है प्रोड्यूस कर रहा है. इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो. अब ये जो है ये पूरे वर्ल्ड के लोग खाते हैं, सिर्फ हम नहीं खा रहे, वो लोग भी खा रहे हैं. वो भले ही सैंडविच में, पिज्जा में, इन सब में खा रहे हैं, पर दे आर ऑल्सो ईटिंग दीज. तो इंडिया इज 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल जो है वो इंडिया में ही होती है. अब हम आएंगे नॉन फूड क्रॉप्स में. तो पहले आती है हमारी रबर. रबर क्या होता है? रबर आपको पता है इरेजर हो गई, फिर हमारा ये बैंड हो गया, ये सब रबर होता है. तो इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन. इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब, ये दोनों एरियाज में ग्रो करती है. ठीक है,
इट रिक्वायर्स, इसको मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए, ठीक है, और रेनफॉल चाहिए टू, मतलब इसको हैवी रेनफॉल चाहिए, अच्छी खासी रेनफॉल, एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री से ऊपर इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल, देखो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होगा ही होगा, क्योंकि इतने लोग रबड़ को खा नहीं रहे पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। कितनी चीजें होती है जो रबड़ की बनती है, तो वो क्या एक इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, हमारा रबर प्ले करता है। ये केरला में ग्रो होता है, फिर आपका तमिलनाडु में ग्रो होता है, ठीक है, आपका कर्नाटक, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गैरो हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये ग्रो करता है। इंडिया रैंक्स 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर, 5th नंबर पे। अब देखो इंडिया में कितना सब कुछ ग्रो कर रहा है और इंडिया कहीं भी पीछे नहीं है एग्रीकल्चर के मामले में, इंडिया कहीं ना कहीं सबसे आगे भी है, ठीक है, इतना 5th में है, कभी 3rd में, कभी 2 में, तो कभी 1 में भी है, ठीक है। तो इंडिया में कितना प्रोड्यूस हो रहा है देखो। फिर आती है फाइबर क्रॉप, फाइबर क्रॉप क्या होगी, जैसे हमारा कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये क्यों, इनमें फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स क्या होते हैं, वो रेशे, तो ये कहाँ पे होते हैं, कॉटन, जूट, इस चीज से याद रखना कि इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें फाइबर क्रॉप बोलते हैं। तो हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर, ये कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क जो है, दीज आर द 4 मेजर, ये किससे होती है, ये एग्रीकल्चर से ग्रो होती है। द फर्स्ट ईयर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप ग्रोन इन द सॉइल, द लेटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकून्स ऑफ द सिल्क। अच्छा, 3 तो किससे होती है, इनसे होती है एग्रीकल्चर के थ्रू, एक होती है कुकून, सबको पता है देखो सिल्क कैसे होता है, कुकून होता है, ठीक है, कुकून में से वो बटरफ्लाई आती है, तो उसी से क्या होता है, उससे सिल्क होता है। इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इन द वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद कॉटन ग्रोस वेल इन द ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेकन प्लेट्यू, ये डेकन प्लेट्यू में होता है और ये क्या होता है, ड्रायर, मतलब ज्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए कॉटन को, ठीक है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट, मैंने कहा हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए और अच्छी इरीगेशन चाहिए। 210 frost free days एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स, इसको 210 days चाहिए टू ग्रो एंड अ ब्राइट सनशाइन। इट इज अ खारिफ क्रॉप एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मेच्योर, इसको 6 to 8 months किसके लिए लगते हैं, मेच्योर होने में लगते हैं। तो एज उसने लिखा है ना 210 दिन, तो 3 अगर 30 का भी एक दिन हुआ तो 13 to 7 21। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, ये क्या है, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। फिर हम आते हैं जूट पे, तो इट इज नोन एज दी गोल्डन फाइबर, कहते हैं जूट को, क्यों, क्योंकि जैसे गोल्डन रिट्रीवर होता है ना, क्यों होता है गोल्डन रिट्रीवर, क्योंकि वो गोल्डन कलर का होता है, तो ऐसे ही गोल्डन फाइबर होता है क्योंकि गोल्डन कलर का होता है, ठीक है। जूट ग्रोस वेल ऑन वेल ड्राइड फर्टाइल सॉइल इन द फूड इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। फ्लड प्लेन क्या हुआ, फ्लड आया, सॉइल चली गई, फिर नई सॉइल आई, तो सॉइल क्या होती है, उस जगह पे होते हैं जहाँ पे सॉइल रिन्यू हो रही है, जा रही है फिर नहीं आ रही है, जा रही है फिर नहीं आ रही, पुरानी जा रही है नहीं आ रही, पुरानी जा रही है नहीं आ रही, इसको बोलते हैं फ्लड फ्लड प्लेन्स, ठीक है, फ्लड प्लेन्स बोलते हैं। ये फ्लड आया, सॉइल ऊपर का पार्ट गया, नई सॉइल आई, ठीक है। तो इसको हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के टाइम इसे हाई टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर में नहीं ग्रो कर पाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो ये क्या है, ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इसके बाद क्या, इट इज यूज, अब इसको गनी, देखो बैग्स बनते हैं जूट के, रोप बनती है जूट की, कपड़े भी बनते हैं, ठीक है, यार्न, कार्पेट्स एंड अदर, मतलब कहीं ना कहीं इसकी कपड़े नहीं बनते सॉरी, इसकी कहीं ना कहीं आर्ट बनती है, बहुत आर्टिस्टिक चीजों के लिए। अब यहाँ पे कालीन बिछा है तो कालीन किसका बना है, जूट का बना है, तो जूट आर्टिस्टिक चीजों के लिए बहुत यूज, आपने देखा होगा पुराना, मैं आपको एक DIY बताती हूँ, जूट कहीं से भी जूट लेना, ठीक है, जूट का एक धागा ले लेना, उसके बाद क्या होता है, पुरानी वाटर बॉटल होती है ना, उसका ऊपर, जैसे कोई भी पेप्सी की बॉटल होगी उसका ऊपर का काट देना, ठीक है, ऊपर जो ऐसे में होता है ना जिससे पीते हो, उस एरिया को काट देना, फिर वहां पे पूरा फेविकॉल लगा के उसको पूरा जूट से ऐसे कवर कर देना, वो इतना अच्छा आपका एक फ्लावर पॉट की तरह बना लो, उसको पेंसिल स्टैंड बना लो, उसको कुछ भी बना लो, वो इतना अच्छा लगेगा आपको कि आप उसको अपने घर पे कहीं भी लगा सकते हो। तो ये क्या है, आर्टिस्टिक चीजों के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, जूट का यूज कर रहे हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन, तो ये कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है, इस वजह से ये थोड़ा मार्केट में, अब जिसकी कॉस्ट हाई होगी उसकी डिमांड भी कम होगी,
तो यही है, ठीक है। अब आते हैं हम टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स पर। तो अब हम आते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ठीक है। रिफॉर्म्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी एग्रीकल्चर में, हम इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट वॉज मेंशन इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। देखो एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ, बहुत सालों से चलता आ रहा है, पता नहीं कितने साल, हम गिन भी नहीं सकते, पता नहीं कितने सालों से जो है चलता आ रहा है। सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट कहाँ होगी, जहां टेक्नोलॉजी होगी। अब क्या है, टेक्नोलॉजी ना होने के कारण ये एक हिंडर्ड मतलब रुकावट बन चुका है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये रुकावट बन चुका है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. तो कहीं ना कहीं farmers आज भी बहुत parts of the countries में monsoon पे या मतलब irrigation जो होती है ना, natural fertility जो होती है, मतलब कि naturally जो है fertile हो जाए, sorry, इस चीज पे क्या है, इस चीज पे निर्भर है, ठीक है, कि खुद से हो जाए, मतलब ये क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं उनके पास। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेस अ सीरियस चैलेंज। एक ग्रोइंग पॉपुलेशन लाइक अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन, और जहां वो पूरे कंट्री को भी फीड कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को भी फीड कर रहा है फार्मर, तो वहां पे कितना मुश्किल है एक नॉन डेवलपमेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना, ठीक है। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन को कौन खाना प्रोवाइड कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड कर रहा है। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। तो इसको सीरियस टेक्निकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की जरूरत है ताकि ये डेवलप हो सके। कलेक्टिवाइजेशन, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reform in the country after independence. ठीक है, तो independence के बाद एक institutional reform लाने के लिए मैंने आपको इससे पहले कुछ video, एक video थी उसमें ये बताया था कि क्या होते ना, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मेरे चार बेटे हैं, मैंने अपनी एक बीघा जमीन चारों में बांट दी, ठीक है, तो सबके पास कितना आ गई, पौने पौने बीघा जमीन सब पे आ गई। तो अब एक बीघा कितनी होती है, पौने बीघा, मतलब सोचो ये जमीन है, ठीक है, इसके चार हिस्से हो गए, तो कितना कम कम हर ये पूरी में कितना उगता, और अब इन चार हिस्सों में अलग अलग कितना उगेगा। तो ये चीजें जो है ये कहीं ना कहीं एक फार्मर जिसपे छोटा सा लैंड है, ठीक है, वो क्या ही उगा देगा उसमें, तो इसका क्या हुआ, इन पे बात करी गई। और क्या, जमींदारी सिस्टम, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, मतलब पहले क्या था, एक मेन जमींदार था, ठीक है, जिसके लैंड पे सब काम करते थे, तो ये इस सिस्टम को भी क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया। या तो तुम अपनी जमीन बेचो, बेच नहीं सकते हो तो फिर खुद उसमें प्रैक्टिस करो, पर किसी को किराए पे जमींदारी सिस्टम नहीं होगा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म वॉज द मेन फोकस ऑन ऑफ आर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया उसमें लैंड रिफॉर्म जो था वो मेन मुद्दा था उस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान का। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैज ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। तो कहीं ना कहीं राइट ऑफ इनहेरिटेंस ने ये हो गया ना कि अभी लैंड होल्डिंग जो है वो चार मतलब जितने भी पार्ट्स है उन्हें बटी जाएगी, तो इसने कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म वर इनेक्टेड बट द लॉ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और द ल्यूकवॉर्म, ठीक है। तो अब लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म तो हो गया था, ठीक है, कर दिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना भी तो एक टास्क है कि इम्प्लीमेंट कोई कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960s एंड 1970। तो इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ निकाला 1960 और 1970 में। द ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन वॉज सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो कहीं ना कहीं ग्रीन रिवॉल्यूशन और ये पैकेज टेक्नोलॉजी और ये व्हाइट रिवॉल्यूशन जो थे, ये कुछ रिवॉल्यूशन थे जो गवर्नमेंट ने क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे।
बट दिस टू लेट द कंसेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन द फ्यू सेलेक्टेड एरियाज. तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट सिर्फ फ्यू सेलेक्टेड एरिया में क्या हुई, देखी जा रही थी सिर्फ फ्यू डेवलप फ्यू एरियाज में. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. तो 1990s और 1980 में एक land development program जो था वो initiate किया गया, which included both institutional, जिसमें both institutional और technical reform दोनों रखे गए. ठीक है, अब इसमें क्या हो गया था कि provision, अब crop insurance जो था वो provide कर दिया गया था. किनको? उन लोगों को जो farmers, मतलब farmers को. ठीक है, तो अगर flood आता है, ठीक है, फ्लड, साइक्लोन, फायर, कोई भी अगर नेचुरल डिजास्टर होता है, तो ऐसे में बैंक जो है वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी टू द फार्मर्स लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट में. उन्हें मतलब अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आता है तो दे डोंट हैव टू पैनिक, दे विल गेट लोन बाय द बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, किसमें? कम इंटरेस्ट रेट पे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे. फिर एक किसान क्रेडिट कार्ड बना, ठीक है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस बना. ये कुछ स्कीम थी जो इंट्रोड्यूस करी गई, मतलब किसान क्रेडिट का जीरो, आप क्रेडिट ले लो अपनी क्रॉप्स के लिए, उसके बाद जब क्रॉप्स ग्रो हो जाएगी पैसा आ जाएगा, दे देना पैसा. तो ये कुछ स्कीम्स थी गवर्नमेंट ने जो इंट्रोड्यूस करी. मोर ओवर, स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स वर इंट्रोड्यूस ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन. तो फार्मर्स के लिए वेदर, मतलब कि कल वेदर कैसा रहेगा या एक हफ्ते तक वेदर कैसा रहेगा, ये कुछ प्रोग्राम्स थे जो फार्मर्स के लिए रेडियो में इंट्रोड्यूस करे गए. The government also announced minimum support price. Government ने MSP जो थी वो provide कर दी, मतलब minimum कम पैसों में आपसे अनाज, मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा जो था उनको मिलेगा. Remunerative and procurement price for important crops to check the exploitation of farmers by the middlemen. तो अगर middlemen कई farmers को परेशान ना करे, इसीलिए उन्होंने हर चीज पे ध्यान देना शुरू कर दिया था. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे. मैं जानती हूँ चैप्टर थोड़ा लेंदी है, पर अगर ध्यान से समझोगे ना तो इजीली समझ पाओगे. ठीक है, ध्यान से मतलब एक स्टोरी की तरह समझो, एक स्टोरी ऑफ अ फार्मर. ठीक है, उसकी तरह समझोगे तो तुम्हारे लिए भी आसानी होगी. अब एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स, दो इट्स शेयर इन जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स. तो एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक बैकबोन है इकोनॉमी की. क्यों इकोनॉमी की बैकबोन है? क्योंकि विदाउट एग्रीकल्चर, विदाउट, हमने देखा ना एग्रीकल्चर में हमारे इंडिया कहीं पे फिफ्थ नंबर पे, कहीं पे फोर पे, कहीं पे थ्री पे, कहीं पे टू पे, तो कहीं पे वन पे भी है. तो वो एक बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, लेकिन उसका जीडीपी का शेयर कितना हो रहा है बाकी इंडस्ट्रीज के मुताबिक? कम है. ठीक है, जैसे और इंडस्ट्रीज हैं हमारी, जो जैसे बाकी इंडस्ट्रीज होंगी, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इधर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, तो इन सभी इंडस्ट्रीज के मुताबिक हमारा एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है ये कम में है. ठीक है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज लो. Yet its share in providing employment and livelihood to the population continues to be high as 63% in 2001. लेकिन इसका contribution in employment के उसमें देखे तो ये बहुत contribute कर रही है. क्योंकि देखो employment क्यों, अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको कि हमने एक example लिया था bamboo का. तो bamboo का लिया था, तो अब मेरे को एक bamboo छोड़ो, tea leaves का एक example है, बहुत simple है. tea leaves आप grow करोगी, ठीक है. अब आप टी लीव्स को, जब आपको उसमें से टी लीव्स छाटोगे तो आप कोई मशीन का यूज नहीं कर सकते हो, है ना. आप ऐसा नहीं कि आप वो खेत में एक मशीन भेज दोगे, मशीन छाट देगी. नहीं, आपको मैनुअल लेबर चाहिए, वो भी अच्छा खासा मैनुअल लेबर, क्योंकि एक एक पत्ती को छाटना है ना. तो ऐसे में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. अब एक खेत में अगर 5 जन भी लगे हुए हैं तो ऐसे 10 खेतों में कितने 50 जने लग गए, तो कितना क्या हुआ, मैनुअल लेबर लगी, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी. तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की वजह से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन जीडीपी में वो इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है. द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्फीयर ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी.
तो कहीं ना कहीं जीडीपी में जो इसका शेयर कम है, इसकी वजह से कौन किसको इम्पैक्ट पड़ेगा? सोसाइटी को पड़ेगा, ठीक है? आपका अगर एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, एक सेक्टर ऑफ कोई भी, अच्छा जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच मीन्स कि हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री की जो भी हमारी कंट्री है उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो सारा प्रोडक्शन का अकाउंट होता है जीडीपी में, कि कौन सा कम्युनिकेशन कितना कर रहा है, अच्छा ट्रांसपोर्ट कितना कर रहा है, ठीक है? तो हर सेक्टर जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है या जितना भी बना रहा है, प्रोडक्शन जितना कर रहा है, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो होता है जीडीपी में, कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस कंट्री का कितना रहा, ठीक है? तो ऐसे में अगर एग्रीकल्चर में सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है, तो इससे बाकी स्फेयर में भी इफेक्ट होगा. कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ स्टेप्स बता रखे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए जिनसे एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक डेवलपमेंट आ सके. पहला है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो इसमें क्या होता है, एक एस्टैब्लिशमेंट मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाई गई, जिसमें देखा जाए कि कितनी जमीन है, ठीक है, रिसर्च करी जाए कि कोई क्रॉप क्यों ग्रो नहीं कर रही है. तो कहीं ना कहीं एक पूरी रिसर्च होती है एक सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट क्या हुआ, एग्रीकल्चर का, कि एग्रीकल्चर के सारी मतलब क्या जरूरत है, क्या चीजें कम पड़ रही हैं, तो उन सब पे रिसर्च करने के लिए एक बॉडी बनाई गई. फिर क्या हुआ, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज. अब देखो फार्मर्स, कहीं ना कहीं हम लोग जो आज यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो फार्मर्स को पहले से ही पता होता है ना? हम पढ़ रहे हैं कि भाई खारिफ क्रॉप ये होती है, राबी क्रॉप ये होती है, लेकिन फार्मर्स को भी पता है, ठीक है? उनको भले ही नाम ना पता हो, हमने तो एक नाम दे दिया कि चलो ये खारिफ है, ये राबी है, पर अगर हम लोग देखें तो उनको भी वो चीज पता है, हमको भी वो चीज पता है. तो थोड़ी उस नॉलेज को इनहेंस करने के लिए और आगे आने वाली जनरेशन को ये चीज बताने के लिए कि एग्रीकल्चर के क्या क्या मायने होते हैं, क्या हुआ, यूनिवर्सिटीज को खोला गया, ताकि एक फार्मर का बेटा तो पढ़ सके. अब देखो अगर फार्मर है, फार्मर इज इलिटरेट, ठीक है, उसको पता है कि उसको बस इतना पता है कि क्या क्या ग्रो करना है, क्या कुछ करना है, ठीक है. लेकिन अगर उसका बेटा जाके वही एग्रीकल्चर, उसके बेटे को भी आगे जाके फार्मिंग करनी है, वो जाके यूनिवर्सिटी जाए, वहां पे पढ़े, तो उसको कितनी चीजें पता चल जाएगी. उसको ये पता चलेगा कि इम्पोर्ट ड्यूटीज क्या होती है, उसे पता चलेगा सब्सिडीज क्या होती है, जो कि उस फार्मर को कहीं ना कहीं नहीं पता है. तो अगर वो लड़का बाहर जाके पढ़ के अपने गाँव में फिर आता है, तो वो अपने एग्रीकल्चर को ग्रो करने में वो कितना हेल्प करेगा, है ना? डेवलपमेंट तो हो गई, तो इसीलिए क्या यूनिवर्सिटीज भी ओपन की गई. वेटरिनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग, मतलब क्या है कि कुछ सेंटर्स बनाए गए, जैसे हमारे एनिमल्स होते, जैसे हमारे खेत में क्या बैल जाते, तो अब बैल को भी तो देखो, बैल ऐसा तो है नहीं कि आपने बस बैल खरीद लिया हो गया, उसको भी इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, उसको भी खाने की जरूरत है, तो उसके लिए क्या थे, कुछ सेंटर्स बनाए गए. हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट. वेदर फोरकास्ट क्या रेडियो में सुनाए जाते थे कि कल बारिश का ये मौसम है, या इस दिन ये अभी ये मौसम चल रहा है, तो आप इसमें ये क्रॉप आराम से उगा सकते. तो वो क्या रेडियो के थ्रू उन्हें वेदर फोरकास्ट बताया गया. तो इन सबको प्रायोरिटी दी गई फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. ये गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं करी, या कहें तो कुछ पॉलिसीज निकाली, या कुछ एफर्ट्स बनाए, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर सेम. और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन लोगों ने क्या क्या, इन्होंने उसको भी कहीं ना कहीं ठीक करने की कोशिश की, ताकि एग्रीकल्चर अच्छा हो सके, ठीक है. अब देखो यहाँ एक टेबल दी गई है, टेबल 4.1 देखो. तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो 3.6 है 1980 से 1991, पर बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो 7.1 कर रही हैं, ठीक है. और सर्विसेज, सर्विस इंडस्ट्री जो है वो 6.7 में है. तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कम है, ठीक है. इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा है, सर्विस सेक्टर ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चरल कम है. फिर 2001 में भी सेम चीज है, कि वहां पे भी वो दोनों ज्यादा में है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो वहां पे डिक्लाइन कर रहा है 2001 में भी, ठीक है. और अगर हम 2002 से 2007 में देखें, तो ये 10th प्लान जो प्रोजेक्ट बना था, इसमें देखें जो 2002 से 2007 में, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया, लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज के मुताबिक वो आधा है, आधे से भी कम है, ठीक है ना. आधा अगर 9.5 का भी आधा देखें, तो 4.7 समथिंग होगा, तो ये तो आधे से भी कम है.
From the above table, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का जीडीपी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो अब वो उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रही है, क्योंकि देखो उसका अगर हम लोग देखें तो बाकी सेक्टर्स के मुताबिक वो कितनी आधे से भी कम है. तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट करके भी एक इंसान कितना कमा लेगा, है ना? तो इस वजह से वो सोचेगा मैं इनको छोड़ के इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाऊं. लोग तो वही जाएंगे ना जो डेवलप्ड होगी जो चीज. तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जो है कम कर रहा है. द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिसलरेटिंग विच इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. तो ग्रोथ रेट जो एग्रीकल्चर की सेक्टर की है वो कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो कि एक अलार्म मतलब जाग जाओ ऐसी वाली सिचुएशन है कि जागो ग्राहक जागो. टुडे इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन एंड आर गवर्नमेंट इज गोइंग अहेड विद रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर पर्टिकुलरली इन इरीगेशन. तो कहीं ना कहीं आज इंडियन फार्मर्स जो है वो बहुत कुछ सहन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि क्या हो रहा है रिडक्शन, एक तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जो रिडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम करी जा रही है, कम हो रही है, ठीक है. तो इरीगेशन भी प्रॉब्लम ला रहा है, पावर, रूरल रोड्स, मार्केट में इन ये सब जो है इनमें इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए थी वो अब क्या हो रही है, कम हो रही है, गवर्नमेंट कम इन्वेस्ट कर रही है. सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. अब सब्सिडी क्या हुई कि अगर फार्मर का मान लो उसकी 200 रुपए किलो उसने बोला कि मैं ये बेचूंगा, तो अब 200 रुपए मतलब उसका देखो टोटल उसका पूरा जो कॉस्ट लगा उस चावल को उगाने में एक फार्मर की कॉस्ट लगी 100 रुपए, ठीक है. तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको सब्सिडी देंगे 50 रुपए की, तो अब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 50 हुआ, क्योंकि 50 से गवर्नमेंट पे कर रही है तो 50 हुआ. तो अब वो क्या करेगा, अब अगर वो उस चावल को 80 to 90 rupees में बेचता है तो उसको किसका 40 rupees का प्रॉफिट होगा पर केजी. दैट मीन्स 40 rupees पर केजी. तो अगर वो मान लो 100 किलो भी बेच रहा है ना, तो कितना 40,000 का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. तो ये चीज जो है अगर सब्सिडी, लेकिन सब्सिडी फार्मर्स की रिड्यूस हो रही है, मतलब कम हो रही है. गवर्नमेंट अगर 100 रुपए का है तो मान लो 10 रुपए दे रही है, 20 रुपए दे रही है, उसमें उस फार्मर का क्या होगा. तो ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है फार्मर के लिए. सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज ठीक है. मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डिट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री. तो कहीं ना कहीं रिडक्शन, अब देखो इम्पोर्ट मतलब बाहर से अगर कोई सामान हमारी कंट्री में आ रहा है एग्रीकल्चरल का, तो उसकी इम्पोर्ट ड्यूटीज क्या की गवर्नमेंट ने कम लगा दी, ठीक है, कम टैक्स ले रहे हैं वो उनसे. तो उससे क्या होगा कि उसका वो सामान हमारी कंट्री में आराम से बिकेगा, लोग भी खरीदेंगे. तो हमारी कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनको इस चीज से क्या होगी, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक तो अपने कंट्री को सब्सिडी भी कम दे रहे हो, फिर अगर हम लोग हाई रेट्स में बेचें तो उसमें क्या होगा, लोग तो वही चीज खरीदेंगे ना जो बाहर की कंट्री से. लोग कहेंगे कि यार ये 60 रुपए का चावल है, ये 100 रुपए का है, मैं तो 60 रुपए का चावल लेना ही प्रेफर करूंगा. तो वही चीज है, ठीक है. इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ, बाहर की कोई भी कंट्री ले लो एक्स वाई जेड, उसने क्या किया, उसने अपने फार्मर्स को सब्सिडी मान लो इसमें दोनों एग्जाम्पल वो हो जाएंगे कि सब्सिडी जो है उसने अपने फार्मर को कम लगा दी, ठीक है. उन्होंने कहा हम आपको 50% सब्सिडी देंगे, ठीक है, 50% सब्सिडी देंगे. तो उस फार्मर ने क्या किया, उसने ये दाल भेज दी, वही चावल उसने इंडिया में 90 रुपए किलो भेज दिए. अब हमारे इंडिया के चावल का भी सेम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहा, लेकिन हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी खाली 10 रुपए की, ठीक है. तो अब 90 चलो 20 रुपए लगा दो, 80 रुपए का हो गया वो चावल. तो वो 80 रुपए के चावल में अब फार्मर अगर अपना 20 रुपए भी जोड़ेगा, ठीक है, तो कितना 100 रुपए किलो हो गया चावल. तो कहीं ना कहीं वो लोग कौन सा, आप ही बताओ ना आप कौन सा चावल लेना पसंद करोगे, वो चावल ना जो सस्ते में मिल रहा है. 100 रुपए किलो का चावल क्यों लोगे जब आपको वही चीज सस्ते में मिल रही है. तो यही चीज है, यही इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से फार्मर्स जो है इनको ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में ये जो भी फार्मर्स की सिचुएशन है वो बहुत खराब हो रही है. तो अब हम आते हैं फूड सिक्योरिटी में. तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, फूड सिक्योरिटी का मतलब हुआ कि एक सिक्योरिटी दे दी, ठीक है, किस चीज पे, कि आपको खाना मिलेगा ही मिलेगा, है ना, कि कहीं कि किसी भी इवन द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज गेटिंग द फूड. अब जो गरीब है वो बताओ क्या खाएगा, है ना. तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी जो है वो एक एक तरीके का सिक्योरिटी दी जाती कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री विल गेट द फूड, ठीक है, उसको इवन एक्सेस मिलेगा फूड का, ठीक है.
तो अब क्या है, यू नो दैट फूड इज अ बेसिक नीड एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव एक्सेस टू फूड विच प्रोवाइड्स मिनिमम न्यूट्रिशन लेवल. तो कहीं ना कहीं एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री जो है उसका हक बनता है कि वो फूड ले, ठीक है, क्योंकि फूड में न्यूट्रिशन होता है, तो उसको मिनिमम न्यूट्रिशनल लेवल जो है मिलना ही चाहिए, ठीक है, मिनिमम खाना मिलना ही चाहिए उसे. इफ एनी सेगमेंट ऑफ आर पॉपुलेशन डज नॉट हैव दिस एक्सेस, दैट सेगमेंट सफर्स फ्रॉम लैक ऑफ फूड सिक्योरिटी. और अगर कोई सेगमेंट हमारी पॉपुलेशन का जिसको वो एक्सेस नहीं मिला है, मतलब उसको फूड सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, उसको वो मिनिमम न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, उसे एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, वो फूड सिक्योरिटी से वंचित है, ठीक है, उसको फूड सिक्योरिटी नहीं है, उसको सिक्योरिटी ओवर मिनिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, ठीक है. द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव फूड सिक्योरिटी इज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन ऑफ अ कंट्री. तो कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये हमारी कंट्री के, दीज आर नॉट, कम नहीं है ये, कहीं ना कहीं ज्यादा तादाद में भी है, लार्ज पोर्शंस में भी हमारी कंट्री के, पर्टिकुलरली इन इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स विद हायर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी. और ज्यादातर उस जगह पर है जहाँ पे पॉवर्टी जो है ज्यादा है. पॉवर्टी क्या हुई कि खाने का भी पैसा नहीं है या फिर खाने को भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो उन कंट्री उस स्टेट ऑफ उन स्टेट्स में ज्यादा है ये लोग. द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री, द रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री आर मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स एंड अनसर्टेन फूड सप्लाई. तो जो रिमोट एरियाज है ना वो ज्यादातर क्या है, वो या तो वहां कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो फूड ग्रेन्स को खराब करेगा, या फिर क्या हो जाए, फूड सप्लाई वहां पे अनसर्टेन हो जाए, मतलब पता ही ना चले कि वहां फूड सप्लाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं पता है कि क्या है, ठीक है. इसके बाद क्या है, इन ऑर्डर टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर गवर्नमेंट केयरफुली डिजाइंड अ नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम. तो इसी चीज के लिए कि हर एक इंसान पे फूड पहुंचे, उसको खाना मिले, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कुछ स्कीम्स निकाली है, ठीक है. उन्होंने दो निकाली, एक है बफर स्टॉक, एक है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो हम पहले पढ़ेंगे पीडीएस. तो पीडीएस जो है वो एक प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल कमोडिटीज एट सब्सिडाइज्ड प्राइस इन रूरल एंड अर्बन एरिया. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे रूरल और अर्बन एरिया में सब्सिडाइज प्राइस में क्या होता है, लोगों को फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं. अब मैं इसका एग्जाम्पल बताती हूँ कि आप लोगों के एरिया में एक पीडीएस की शॉप होगी ही होगी, ठीक है. वहां पे क्या होगा, वहां पे कुछ कार्ड्स होते हैं, ठीक है, राशन की दुकान इन्हें कहते हैं, कि वहां पे कुछ कार्ड्स होते हैं, जैसे बीपीएल होता है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब ये पॉवर्टी लाइन जो है एक एनुअल इनकम होती है पॉवर्टी लाइन में, मान लो इसकी एनुअल इनकम जो है ये 50,000 से कम है, तो वो क्या हो गया, वो आ गया बीपीएल में. तो उसको क्या होता है, उसको सब्सिडाइज रेट पे जो है दालें दी जाती हैं, ठीक है, उस मतलब उन दालों का जो आधा पैसा है वो गवर्नमेंट देती है और आधा पैसा जो है उस इंसान को देना होता है. तो इससे क्या होगा, जो इंसान बीपीएल में है, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो क्या है, वो आराम से वो फूड ग्रेन्स को एक्सेस कर सकते हैं. मान लो 100 रुपए की दाल है तो उसको कितने में मिल जाएगी, 50 रुपए में मिल जाएगी या 60 रुपए में मिल जाएगी. तो कहीं ना कहीं एक गरीब से गरीब इंसान भी क्या है, उसको एक्सेस कर सकते हैं. किराने या राशन की दुकान कहते हैं इन्हें, पीडीएस शॉप्स होती है, आपके आसपास भी होगी, हर जगह होती है. इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी. अच्छा, इससे एक चीज ये भी होती है कि अगर आप लोग, क्योंकि मतलब इसमें क्या होता है, धोखाधड़ी भी नहीं होती है. इसमें क्या होता है कि मान लो दो जने हैं, ठीक है, एक की इनकम है 1 लाख, एक की 50,000. आप दोनों कह रहे हैं हम दोनों को वो चाहिए सब्सिडाइज वे में, तो क्या होगा, गवर्नमेंट इसमें चेक करेगी कि तुम्हारी एनुअल इनकम कितनी है, पहले उसकी रसीद दो. इसको भी बोलेगी तुम्हारी इनकम कितनी है, उसकी रसीद दो. उस हिसाब से क्या होता है कि उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को मिलता है जो कि वो फूड सिक्योरिटी जिसके पास नहीं है या फिर जिसकी इनकम कम है, ठीक है. तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आपकी बहुत ज्यादा तो आपको भी वो मिल रहा है, नहीं, पूरा चेक होता है इसमें. इंडियाज फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हैज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कॉमन पीपल एट एन अफोर्डेबल प्राइस. तो यहाँ क्या होता है, कॉमन मतलब एक आम इंसान को भी फूड जो है मिलता है अफोर्डेबल प्राइस में, कि वो अफोर्ड कर सके. इट हैज अनेबल द पुअर टू हैव एक्सेस टू फूड. पुअर को भी अब एक्सेस है फूड का. द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज ऑन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ वीट एंड राइस टू मेंटेन द स्टॉक. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फोकस क्या है कि अब देखो, अगर गरीब इंसान को भी मिल रहा है ना, तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी डेवलप हो रहा है, ठीक है,
पहले तो उसको नहीं मिल रहा था, अब तो गरीब को भी मिल रहा है। तो डेवलपमेंट किसकी हो रही है? एग्रीकल्चरल सेक्टर की हो रही है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है FCI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरिंग एंड स्टॉकिंग फूड ग्रेन्स वेयर एज डिस्ट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो FCI क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए, और जो ये PDS है ये इंश्योर करता है कि फूड जो है हर एक गरीब को मिले, मतलब हर एक इंसान को मिले, खाना जो है वो हर एक इंसान तक पहुंचे, ये कौन इंश्योर करता है? PDS। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब आगे देखो, द FCI प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कि कम से कम प्राइस में क्या है, फार्मर्स से फूड ग्रेन्स जो है वो लेती है FCI, ठीक है, द गवर्नमेंट। अब हमने क्या पढ़ा था कि FCI का काम क्या होता है कि वो फूड ग्रेन्स लेती है और उन्हें स्टोर करती है। स्टोर करना क्या हो गया, स्टोर करने को कहेंगे बफर स्टॉक, ठीक है। हमने बफर स्टॉक देखा था ना, तो बफर स्टॉक मतलब होता है कि आपने कम रेट में फूड ग्रेन्स लिए और उनको क्या क्या स्टोर किया। तो FCI का काम क्या होता है कि वो बफर स्टॉक का काम करती है, वो बफर स्टॉक जो है जमा करती है। और उसके बाद PDS का काम ये होता है कि वो उस स्टॉक में से फूड ग्रेन्स जो है वो गरीबों तक पहुंचाएगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। तो द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर्स में सब्सिडी देती थी गवर्नमेंट, ठीक है, पावर में देती है और वाटर में सब्सिडी देती है। दीज सब्सिडीज हैव नाउ रीच्ड अनसस्टेनेबल लेवल एंड हैव ऑल्सो लेड टू लार्ज स्केल इन एफिशियंसीज इन द यूज ऑफ दीज स्कार्स इनपुट। तो अब क्या हुआ, ये सब्सिडीज कहीं ना कहीं गलत वे में यूज करी जा रही है। कैसे करी जा रही है कि अब एक एग्जाम्पल, चलो हम आगे देखते हैं। एक्सेसिव एंड इम्प्रूडेंट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड वाटर हैज लेड टू वाटर लॉजिंग, सैलिनिटी एंड डिप्लीशन ऑफ द एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिशन इन द सॉइल। तो अब क्या हो गया, देखो जैसा कि क्या था, फ्री वाटर मिल रहा है कहीं ना कहीं, कम रेट में चलो वाटर मिल रहा है, ठीक है, पावर कम रेट में मिल रही है आपको, फर्टिलाइजर्स कम रेट में मिल रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, अब देखो वाटर आपको मिल रहा है, ठीक है, देखे तो वाटर आपको खूब मिल रहा है। तो आप क्या करोगे, अब आप ऐसी क्रॉप ग्रो करोगे जो कि वाटर में ग्रो हो जाए, है ना। जब आपको फ्री का पानी मिल रहा है तो आप वो क्रॉप क्यों ग्रो करोगे जिसमें पानी की जरूरत नहीं है या कम पानी की जरूरत है? आप तो वो क्रॉप ग्रो करोगे ना जिसमें पानी ज्यादा लगेगा। तो आप ये करोगे, गवर्नमेंट की वो सब्सिडी का यूज करोगे, ठीक है, क्या यूज करोगे, एक तो होता है कि आपको प्रोवाइड करिए तो आपको यूज करना है, ठीक है, यूज करना इज डिफरेंट, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ठीक है, आप वाटर को इतना यूज कर रहे हो कि वाटर लॉजिंग की क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है ना। हमने देखा वाटर रिसोर्सेज में कि वाटर कितना कम है, लेकिन अब वही किसान क्या कर रहा है, ग्राउंड वाटर को इतना ग्राउंड वाटर ले, कह रहा है अब तो गवर्नमेंट ने कह दिया तो मैं कितना भी निकाल लूं, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। द हाई MSP सब्सिडीज इन इनपुट एंड कमिटेड FCI परचेज हैव डिस्टॉर्ट द क्रॉपिंग पैटर्न। और ये जो कमिटेड FCI परचेज होगी ना, कि चलो वीट, अब फार्मर ने क्या किया, उसने वीट ग्रो कर दी, ठीक है, पानी में पानी खूब है, तो उसने पानी में क्या किया, उसने अब वीट की प्रोडक्शन कर दी। अब उसको ये चीज पता है कि वीट की प्रोडक्शन होगी तो उसको पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि FCI ने कमिटेड किया हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्यों, अब हर कोई वीट राइस ग्रो करेगा तो पल्सिस कौन उगाएगा, तो इससे क्या हुआ, क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। वीट एंड पेडी क्रॉप्स आर बीइंग ग्रोन मोर फॉर द MSP डेगेट, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस वीट और पेडी में मिलता है, तो क्या करते हैं वो लोग, उन्हीं को ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हर कोई उसको ग्रो कर रहा है तो क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें MSP मिल रही है, तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, मतलब फार्मर्स भी जो है ये गलत कर रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा, इसमें पंजाब और हरियाणा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वहां फ्री का पानी मिला तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने वीट और पैडी उगाना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, वहां पे हमने पढ़ा था ना, इससे अभी इस थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था कि हरियाणा और पंजाब ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे वीट और पैडी उगाई जाती है, तो ये क्या होगी, ये कमर्शियल क्रॉप होगी, ये उनकी वो क्रॉप नहीं है कि ये उनकी वो क्रॉप नहीं जो वो लोग खुद भी खा सकते, नहीं, ये वो कमर्शियली उसको उगा रहे हैं, ठीक है, ये कमर्शियल यूज क्रॉप को जो है उगा रहे, क्यों उगा रहे, क्योंकि वहां पे MSP मिल रही है, समझे। दिस हैज ऑल्सो क्रिएटेड अ सीरियस इम्बेलेंस इन द इंटरक्रॉप पार्टीज। तो इससे क्या हो रहा है, सीरियस इम्बेलेंस भी हो रहा है, ठीक है, अब हर कोई अलग अलग, हर कोई एक ही क्रॉप उगा रहा है, पहले सब अलग उगा रहे थे, अब सब एक उगाए तो वेराइटी भी नहीं मिलेगी, तो क्या होगा, कुछ सिमिलैरिटीज नहीं रह रही, इम्बेलेंस हो रहा है।
यू ऑलरेडी नो दैट कंज्यूमर आर डिवाइडेड इन टू टू कैटेगरीज. तो मैंने जैसा बताया था कि बीपीएल एक कैटेगरी मैंने आपको बताई, एक होती है एपीएल विच इज अबव पॉवर्टी लाइन. ठीक है, तो ये दो कैटेगरी में कंज्यूमर मतलब जो कि हम है, ठीक है, हम लोग जिनको फूड ले रहे हैं तो हम कंज्यूमर है. हम लोग दो कैटेगरी में, एक बीपीएल एक एपीएल. विद द इशू प्राइस बींग डिफरेंट फॉर ईच कैटेगरी, और ईच मतलब अगर बीपीएल के लिए 50 रुपए तो एपीएल जो कि अबव पॉवर्टी लाइन है उनके लिए कितना होगा, 70 रुपए होगा. तो क्या है, दोनों खरीद एक ही चीज है लेकिन अलग अलग प्राइस पे ले रहे हैं. हाउ एवर द कैटेगराइजेशन इज नॉट परफेक्ट एंड अ नंबर ऑफ डिजर्विंग पुअर हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बीपीएल कैटेगरी. लेकिन ये गलत है, ये कैटेगराइजेशन सही नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार बहुत ऐसे गरीब लोग भी होते हैं जो इस कैटेगरी से क्या होते हैं, वंचित होते हैं, या फिर वो इस कैटेगरी में आते ही नहीं है. ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इस कैटेगरी में उनको लेते ही नहीं है. अब देखो, एक गरीब इंसान है, ठीक है, एक गरीब इंसान है, वो बीपीएल का कार्ड ही नहीं भर पाया. पहली चीज तो पहला तो ये हो गया कि वो नहीं भर पाया तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, कि हटा दिया उसको. दूसरा क्या हुआ कि मान लो एक एक फैमिली की इनकम जो है, एक फैमिली की इनकम हो गई 50,000, ठीक है, और बीपीएल में बोला है कि आपकी इनकम जो है वो 50,000 से कम होगी तभी आपको हम उसमें लेंगे बीपीएल. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स की वजह से उस पर्सन को उस पर्टिकुलर कैटेगरी से, टेक्निकल प्रॉब्लम से क्या होता है, टेक्निकल इश्यूज की वजह से उसको हटा दिया जाता है. तो ऐसे में कई डिजर्विंग पुअर है जो कि बीपीएल में होने चाहिए लेकिन वो क्या होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं, है ना. क्यों नहीं आते, यही टेक्निकल इश्यूज की वजह से. Moreover, some of the so-called APL slip back to BPL because of the failure of even one crop and it is administratively difficult to accommodate such shifts. और कई बार क्या होता है कि जो APL होते हैं ना, above poverty line होते हैं, वो लोग कई बार तो क्या होते हैं कि जो above poverty line होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसा इतनी हेरा फेरी करते हैं कि वो BPL में अपने आप को दिखा देते हैं. तो ऐसे में क्या होता है कि BPL वाला जो इंसान है उसका खाना क्या है, अब देखो जो डिजर्विंग है वो तो वैसे ही एक्सक्लूड हो गया. ऐसे में एपीएल वाला क्या आता है, बीपीएल में आ जाता है, वो हेरा फेरी कर देगा, वो बीपीएल में पहुंच जाएगा, आराम से राशन ले लेगा. तो इससे क्या हो रहा है, ये बहुत एक इम्बेलेंस क्रिएट कर रहा है. ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन मेड सेल्फ सफिशियंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन इफ गवर्नमेंट प्रोवाइड प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट लिंकेजेस एंड ऑल्सो इनकरेज द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्निक्स. तो हर एक स्टेट जो है या फिर हर एक डिस्ट्रिक्ट है वो एग्रीकल्चरली सफिशियंट हो सकता है, ठीक है, उसको फूड सिक्योरिटी मिल सकती है अगर गवर्नमेंट वहां प्रॉपर टेक्निक्स दे, ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट वहां प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज करे जो कि फार्मर्स को मिलने चाहिए, सब्सिडीज दे, ठीक है, क्रेडिट दे, ठीक है, अच्छा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर दे, तो वहां पे हर कोई भी आराम से फूड सिक्योरिटी का एक ब्लॉक या एक डिस्ट्रिक्ट अपने आप को बना सकता है. इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली ऑन राइस एंड वीट, द फूड क्रॉप विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन दैट पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी इनकरेज. वीट और राइस तो है ही है, लेकिन जो अदर वहाँ की, जैसे कोई, अब जैसे असम की टी बहुत फेमस है ना, तो उस क्रॉप को एक इनकरेजमेंट भी मिलना चाहिए, है ना, कि भाई ये फेमस है तुम्हारे यहाँ की, इसको उगाओ. ऐसा नहीं है कि तुम राइस और वीट में ही लगे, तुम्हारे यहाँ की असम टी फेमस है तो तुम इस टी को, कॉफी को उगाओ, है ना. हम कहते हैं ना असम की भाई चाय बहुत फेमस है, हिमाचल के सेब बड़े अच्छे हैं, तो उस क्रॉप को एक इनकरेजमेंट जो है वो मिलनी चाहिए, ठीक है. ऐसा नहीं है कि अगर हिमाचल के एप्पल अच्छा है लेकिन वहां पे अगर राइस और वीट उग रहा है तो वो इनकरेजमेंट में क्या बोल रही हूँ, वो इनकरेज उस पर्टिकुलर क्रॉप कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. वहाँ की जो उनको हर क्रॉप को, जो कि वहाँ बेसिक क्रॉप है या फिर जो क्रॉप वहाँ पोटेंशियल है, अच्छी ग्रोथ कर रही है, उस क्रॉप को क्या मिलना चाहिए, इनकरेजमेंट मिलना चाहिए. क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरीगेशन फैसिलिटीज, अवेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर. तो क्या है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इरीगेशन फैसिलिटी होगी, तो जो ये कंपनीज है ना, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, ये क्या करेगी, एग्रीकल्चरल में इन्वेस्ट भी करने लगेगी, ठीक है. अगर वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो अगर एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में मान लो आप स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आप कह रहे हो कि यार ये तो बेकार स्कूल है, यहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, अच्छा है नहीं, लाइब्रेरी है नहीं और कंप्यूटर लैब है नहीं, तो आपके पापा क्यों भेजेंगे आपको स्कूल में, नहीं भेजेंगे ना. तो यही चीज़ है कि अगर वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं होगा, अगर वहाँ पे फर्टिलाइजर अच्छा नहीं होगा, ग्रेन्स क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिर कोई भी वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा. तो इसका ध्यान किसे देना चाहिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए. द
द फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच शुड बी ऑन सस्टेनेबल बेसिस एंड ऑल्सो फ्री ट्रेड इन ग्रेन विल क्रिएट मैसिव एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस पॉवर्टी इन रूरल एरिया. तो फोकस ऑन मतलब फूड ग्रेन प्रोडक्शन में अगर फोकस हम लोग ज्यादा रखेंगे तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी होगी. अगर आप एग्रीकल्चरल सेक्टर में फोकस रखोगे, अगर आप कहोगे कि भाई इतना ग्रेन आपको उगाना ही उगाना है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां एक एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, क्रिएट होगी. तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. अब क्या है, अब हमें एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने को मिल रहा है. किसमें? कल्टीवेशन में. क्यों? क्योंकि देखो अभी तक तो क्या था, फूड ग्रेन्स और फूड क्रॉप्स जो थी इनमें ज्यादातर फोकस किया जा रहा था. लेकिन अब इससे फोकस हटके ना लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने नॉन फूड क्रॉप्स भी ग्रो करने लगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स इनकी ग्रोथ हो रही है. तो ऐसे में वो जो लैंड है ना वो क्या हो रहा है, बट रहा है. ठीक है, अब कोई कह रहा है मैं फ्रूट्स उगाऊंगा, कोई कह रहा है मैं नॉन फूड क्रॉप्स उगाऊंगा, तो फार्मर अपना वीट और पल्सेस ये सब कहाँ उगाएगा. तो यही है कि देयर हैज बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप. तो इसमें क्या हो गया, ग्रेजुअल शिफ्ट आ गया है. दिस हैज लेड टू रिडक्शन इन नेट सोन एरिया अंडर सीरियल एंड पल्सेस. इससे क्या हो गया, सीरियल और पल्सेस वही है ना, कहाँ उगाऊंगा, नेट सोन एरिया तो कम हो रहा है. आप फ्रूट्स उगा रहे हो, वेजिटेबल उगा रहे हो. With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the कंट्रीज फूड सिक्योरिटी. तो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, इतना पॉपुलेशन है, और ऐसे में अगर फूड ग्रेन नहीं उगेगा तो इंडिया की फूड सिक्योरिटी पे क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. क्यों आएगा, कि अब हम खाना देंगे कैसे जब सीरियल और पल्सेस के लिए जगह ही नहीं बचेगी. तो अब ये तो हो ही रहा है, अब क्या हो रहा है, द कॉम्पिटिशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सच एज हाउसिंग एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया. अब ये तो हो ही रहा था कि नॉन फूड क्रॉप्स उग रही थी, अब ये हो रहा है कि लैंड में क्या हो रहा है, उस खेत को हटा के वहां पे घर बन रहे. बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगी, मेरी नानी का घर जाए तो मेरी नानी का घर एक्चुअली वहां पे पूरा, पहले जब मैं बचपन में जब वहां रहती थी पूरा खेत ही खेत था. मतलब कोई घर नहीं था, सिर्फ मेरी नानी का घर था, मेरी नानी के बगल वाला घर था, उसके बगल वाला था, बाकी कोई घर नहीं था. मुश्किल से 10 घर होंगे उस जगह में, खेत ही खेत, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इतने खेत, पूरा खेत ही खेत होता था. आज क्या हो गया, आज मेरी नानी के बगल में भी घर बन गया है, पीछे भी घर बन गया. तो मतलब क्या है, वो जो खेत है वो सब हट चुके हैं, अब वहां पे क्या है, घर बन रहे. तो जो पहले जो वहां पे खेत होते थे ना, 60 to 70 अलग अलग लोगों की जमीनें होती थी, अब क्या है, अब वहां पे मुश्किल से 20-30 रह गई होंगी. क्यों? क्योंकि सब लोगों ने क्या किया, अब सब लोगों ने अपने घर बनाने शुरू कर दिए. तो इससे क्या हो रहा है, इससे वो लैंड भी तो कम हो रहा है ना, जहां पे पहले इतना वीट उगता था, अब तो वहां पे क्या है, घर बनने लग गया, तो उससे नेट सोन एरिया भी तो कम हो रहा है. द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये जो पहले बहुत मतलब इनकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो रहा था, कहीं ना कहीं अब इनसे खराब हो रहा है, क्योंकि केमिकल भी इतना मिल चुका है इनमें. ठीक है, क्रॉप्स को कहीं ना कहीं वो खराब कर रहा है. दूसरा चीज, फार्मर को पता ही नहीं है मैं कितना डालूं. ठीक है, फार्मर कम ज्यादा करते थे, तो ऐसे में क्या होता है कि क्रॉप्स भी जो है वो खराब हो रही है. पीरियोडिक स्कैर्सिटी ऑफ वाटर हैज लेड टू रिडक्शन इन एरिया अंडर इरिगेशन. अब क्या हो रहा है, वाटर स्कैर्सिटी भी हो रही है. क्यों हो रही है, वो अभी आगे ही हम पढ़ने वाले हैं. इनसफिशियंट वाटर मैनेजमेंट, ये हम अभी पढ़ेंगे. वन इम्पॉर्टेंट रीजन इज लैंड डिग्रेडेशन. लैंड डिग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ये सब पानी के ऊपर है, कि वाटर स्कैर्सिटी के ऊपर है ये. तो अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फार्मर्स जो है वो कहीं ना कहीं, अभी पहली चीज तो ये है कि जिन एरिया में लो रेनफॉल हो रही है, लेकिन वहां पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, किसमें, वीट और उसमें किसके, वीट और पैडी में, है ना, क्या मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है. तो ऐसे में क्या हो रहा है कि फार्मर्स जहां पे लो रेनफॉल एरियाज हैं, ठीक है, जहां लो रेनफॉल एरियाज है, अब लो रेनफॉल एरियाज में क्या उगनी चाहिए, वो क्रॉप उगनी चाहिए जिसको रेन की जरूरत नहीं है, जिसको मॉइस्ट सॉइल की जरूरत नहीं है, तो वो क्रॉप उगनी चाहिए. लेकिन नहीं, वहां पे भी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, वो उगा रहे वीट और पैडी. क्यों? पहला उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, दूसरा उन्हें फ्री का पानी मिल रहा है, तो वो पानी का भी यूज कर रहे हैं खुला, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है, तो वो लोग एक गलत जगह पे गलत क्रॉप को उगाने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, दूसरी चीज क्या है, यहाँ फार्मर्स दो कैटेगरीज में बढ़ चुके हैं. एक तो हो गए हैव्स और एक हो गए हैव नॉट्स. ठीक है, कहीं ना कहीं एक रिच फार्मर्स, एक पुअर फार्मर्स. अब क्या हो रहा है, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं वो, अब चलो आगे बढ़ते हैं. This unsustainable pumping has reduced water shortage in aquifers. So क्या यही जो ग्राउंड वाटर आप निकाल रहे, इससे क्या हो रहा है, पानी की जो हो रही है कमी हो रही है, वाटर स्कैर्सिटी हो रही है.
और इस वजह से बहुत सारे ट्यूबवेल्स या वेल्स जो है वो खाली हो गए, ठीक है? क्यों? क्योंकि अब एक ही जना सारा पानी ले रहा है, तो बाकियों को तो कम पड़ गया ना पानी का। द बिग फार्मर्स, अब यहाँ पे फार्मर्स दो कैटेगरी में, पहले बिग फार्मर्स विद डीपर ट्यूबवेल स्टिल हैव वाटर। तो बिग फार्मर्स जिन पे डीपर बिल्कुल नीचे तक ट्यूबवेल, अब देखो बिग फार्मर क्या हुआ, रिच फार्मर ही मान लो, उसपे तो अपना पैसा है, वो तो डीपर ट्यूबवेल खुदवा देगा, वो कहेगा मेरे को और नीचे तक ट्यूबवेल खोद दे, ठीक है, तो उसपे पानी आ जाएगा। बट मेनी अदर्स फेस अ वाटर क्राइसिस, लेकिन जो पुअर फार्मर है, जो स्मॉल फार्मर है, वो कैसे इतना नीचे तक ट्यूबवेल खुदवाएगा, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा? तो क्या हो रहा है, वाटर क्राइसिस हो रहा है। इन एडुकेट स्टोरेज एंड मार्केटिंग फैसिलिटी ऑल्सो एक्ट एज डिस्टिंक्टिव डिसइंसेंटिव, ठीक है, सॉरी हाँ, मेरी स्क्रीन, मेरे को ऐसे जूम करके देखना पड़ा, टू द फार्मर, दस द फार्मर आर बैडली अफेक्टेड बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज की वजह से भी, और ये प्रोडक्शन की वजह से भी, और मार्केट की वजह से भी क्या है, अनसर्टेन है। क्यों अनसर्टेन है? कि पहले तो वो क्या करेंगे, हाई प्राइसेस में HIV सीड्स ले लेंगे, फर्टिलाइजर ले लेंगे, ठीक है। अब आप वहां तो बार्गेन कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, आपको उसने दे दिया कि चल 100 रुपए का ये फर्टिलाइजर है, दे दिया आपको, आपने ले लिया, ठीक है, क्योंकि क्या है, अब वो उतने का है तो आप भी क्या बोलोगे। लेकिन जब आपसे वो क्रॉप खरीदने आ रहे हैं लोग, तो आप उनसे बार्गेनिंग नहीं कर पा रहे हो ना, वो तो आपसे सस्ते से सस्ते में खरीद के ले जा रहे हैं, आप उसको बोल ही नहीं पा रहे हो कि भाई महंगे में ले जा, है ना, आप उसको समझा ही नहीं पा रहे हो कि भाई मेरी इतना फर्टिलाइजर लगा, इतना वो लगा, इतना वो लगा, इतना वो लगा। पुअर फार्मर कितना भी समझा दे नहीं समझेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इससे प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है, किसको, स्मॉल फार्मर्स को। द हायर द सप्लाई द लोअर द डिमांड। तो जितना हायर सप्लाई होगा उतनी डिमांड लोगे, तो जितना ज्यादा पैसा लोगे उतना डिमांड क्या होगी, कम होगी। दिस कॉज डिस्ट्रेस सेल ऑल्सो। तो इससे क्या हो रहा है, डिस्ट्रेस सेल मतलब कि अगर देखो आपका 50 रुपए का चलो चावल है, वो खेती का आपका है 50 रुपए का, ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजर लगा 20 रुपए का, 20 रुपए की HIV लगी, ऐसे कर करके वो हो गया 120 का। अब आपसे अगर वो 120 का खरीदेंगे, ठीक है, तो वो मार्केट में 120 का, वो फिर आपने 20-30 रुपए अपना लगाया, 150 में चलो बेच दिया, अब 150 का वो बेचेंगे मार्केट में 200 रुपए में, वो भी अपना लगाएगा पैसा जो बेच रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि प्राइस ज्यादा होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इससे नुकसान किसको होगा, फार्मर को होगा। देयरफॉर देयर कैन बी नो फूड सिक्योरिटी विदाउट सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल फार्मर। तो फूड सिक्योरिटी तब तक नहीं हो सकती है जब तक आप फार्मर की सिक्योरिटी नहीं करोगे, जब तक फार्मर को सिक्योरिटी नहीं है ना, फूड सिक्योरिटी भी नहीं हो सकती है। सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट, आई होप दिस इज द लास्ट, हाँ ये लास्ट टॉपिक में, फाइनली चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो हम आएंगे अब लास्ट टॉपिक में। तो हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन एक नया टॉपिक नहीं है यार, ग्लोबलाइजेशन बहुत टाइम से चला आ रहा था, हमने हिस्ट्री में भी पढ़ा, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट न्यू फॉर आर इंडियन फार्मर्स, ये पहले से ही चला आ रहा था। तो अब हम इसमें देखते हैं कि यूरोपियन ट्रेडर्स क्या करते थे, वो इंडिया में आते थे, इंडिया में आके वो क्या करते, इंडिया में वो क्रॉप्स ग्रो करते जो बाहर उनको बेचनी होती, जो एक्सपोर्ट करनी होती, या फिर वो क्रॉप्स जो कि बाहर अच्छे रेट पे खरीदी जा रही थी, जिनकी वैल्यू थी, जिनकी डिमांड थी, तो वो क्या करते, वो क्रॉप्स कहाँ उगाते, इंडिया में आके उगाते थे। इंडियन स्पाइसीज वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप। तो इंडियन स्पाइसीज जो थी वर्ल्ड में फेमस थी, और साउथ के फार्मर्स को था कि तुम कोई क्रॉप नहीं उगाओगे, तुम यही क्रॉप उगाओगे, ये क्या स्पाइसेस ही उगाओगे, क्यों, क्योंकि हम ये एक्सपोर्ट करेंगे। टिल टुडे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट, ये आज भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट है इंडिया की। लोग क्या करते हैं, बाहर जाके स्पाइसेस लेके आते कि हम तो फॉरेन की लाए, असल में वो इंडिया की ही होती है जो बाहर जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry. पहले क्या था, इंडिया का कॉटन बेल ब्रिटिशर्स को पसंद आया, और उसके बाद क्या हुआ, वही कॉटन को ब्रिटिश कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया गया, किसके लिए, वो सारी रॉ मटेरियल बनाने के लिए फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू दी अवेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। तो ये मैनचेस्टर के बारे में हमने पढ़ा है हिस्ट्री में,
तो लिवरपूल और मैनचेस्टर की इंडस्ट्री जो है वो खूब ग्रो हुई, खूब डेवलप्ड हुई. क्यों हुई? क्योंकि इंडिया का कॉटन की क्वालिटी इतनी अच्छी थी, जिस वजह से यहाँ पे कॉटन की वो जो रॉ मटेरियल, जिस चीज के लिए, जिन कपड़ों के लिए कॉटन का यूज हो रहा था ना, वो कपड़े इतना अच्छा बिके, लोगों ने कहा वाह कितना अच्छा क्वालिटी का कॉटन है. तो उसकी डिमांड ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हुई तो इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया. तो किस वजह से किया? इंडिया की कॉटन की वजह से किया. यू हैव रेड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार, एंड आई होप यू मस्ट हैव नोन दिस मूवमेंट. ये मूवमेंट तब आता जब इंडिगो प्लांटेशन कराया गया था फोर्सफुली. तो दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन. तो देखो ना, स्पाइसिस भी जा रही, कॉटन भी जा रहा, इंडिगो प्लांटेशन भी क्या हुआ? फोर्सफुली हुआ. तो कई फार्मर्स को एक्सप्लॉइट पहले से ही किया जा रहा था, अभी की बात नहीं है, पहले से ही ये एक्सप्लॉइटेशन जो था वो चला आ रहा था. दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज. तो ये इसके लिए ना पहले हिस्ट्री का चैप्टर जरूर पढ़ना, ठीक है? तब तुम्हें ये बहुत आसानी से समझ आएगा. अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज. और ग्लोबलाइजेशन के बाद 1990 के बाद उन फार्मर्स के पास एक नया चैलेंज आ गया था, ठीक है? डिस्पाइट बींग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसिस, आर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट द डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाई सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज. तो अब देखो, एक कंट्री है, उसकी सबसे उसकी सब मैंने अभी बताया आपको, बट अगेन एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है? वहां पे सब्सिडी जो है बहुत आए. उनको बोला 50 रुपए हम लोग, अगर 100 रुपए की तुम्हारी क्रॉप है, 50 हम देंगे, 50 जो है तुम्हारी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई? 50 हुई, क्योंकि 50 गवर्नमेंट ने दे दिया. अब तुमने क्या किया, तुमने उस क्रॉप में सिर्फ 20 रुपए अपना मार्जिन लगाया प्रॉफिट का, तुमने वो बेची 70 रुपए में, वो वहां से भी इम्पोर्ट करी गई इंडिया में. इंडिया में इम्पोर्ट टैक्सेस जो है वो कम थे, तो आपकी वो क्रॉप जो थी, जब वो इम्पोर्ट हुई इंडिया में, आपको वो क्रॉप चलो मान लो पड़ गई 60 रुपए में भी, तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ पर क्रॉप पर इंसान के, उससे क्या हुआ, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ. लेकिन वही इंडियन फार्मर जो है, आप जहां विदेशी क्रॉप इंडिया में 60 रुपीज की मार्जिन से एक फार्मर बेच रहा है, वहीं यहाँ पे इंडिया के लोगों का क्या हो रहा है, इंडिया के फार्मर्स को पहली चीज से सब्सिडी इतनी नहीं मिल रही है, ठीक है? अगर उन्हें 20 रुपीज भी ये एक एग्जाम्पल है, लिख के मत आ जाना वहां पे कि प्रियल ने कि मतलब मैंने ऐसा बोला तो आप वहां लिख के आ गए, ऐसा नहीं है. ये एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूँ, ये कोई एक्यूरेट फिगर्स नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ. तो इंडिया के फार्मर को मान लो वही 100 रुपए की क्रॉप पड़ी, अब 100 रुपए में उसको सब्सिडी मिली 20 रुपए की, कितने की क्रॉप हुई, 80 रुपए की, 80 रुपए में उसने क्रॉप जो है वो बेची. तो अब एक बात बताओ, अब 80 रुपए में 20 रुपए वो दुकानदार भी लगाएगा जब वो क्रॉप बेचेगा. तो अब आप बताओ, आप 80 रुपए, वो 100 रुपए की क्रॉप लेना पसंद करोगे या फिर आप वो 60 रुपए वाली लेना पसंद करोगे, 60 वाली लेना पसंद करोगे? तो इससे क्या हुआ, लॉस किसको हुआ, हमारे इंडियन फार्मर्स को हुआ. तो वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे, क्यों? ये गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है. टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट क्रॉस रोड. आज इंडियन एग्रीकल्चर अपने आप को ऐसे एक मतलब समझ नहीं आ रहा उन्हें कि कहाँ जाए. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू इम्प्रूव टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर. तो आज अगर एग्रीकल्चर को आपको इम्प्रूव करना है, डेवलप करना है, तो प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए किनके लिए, स्मॉल फार्मर्स के लिए. उनको एक एडवांटेज मिलना चाहिए, अच्छी सब्सिडी दो, ठीक है? द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोमिस्ड मच, ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत प्रोमिस किया, लेकिन एट द एंड लैंड डिग्रेडेशन ही हुआ, ठीक है? इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोग टूडे. वोग मतलब फैशन, मतलब बहुत फैशन में. देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या हो गई कि आप फर्टिलाइजर का यूज ही नहीं करो. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग का. हमारे घर में भी बहुत सारी चीजें जो है वो उगाई जाती है, ठीक है? अब मैंने कहा कि मैं टमाटर का पेड़ उगाऊंगी अपने घर में, ठीक है? अब मैं ऑर्गेनिक वे में कैसे उगाऊंगी, मैं आपको वो समझाती हूँ. मैंने क्या किया, पुराने जितने भी छिलके थे सब्जियों के, जो मतलब रात मम्मी ने सब्जी काटी, हमने उनको छिलकों को जमा किया. पूरे दिन में हम पे एक अच्छा खासा बंच छिलकों का मतलब जमा हो गया, चाय पत्ती हो गई, मतलब जो भी आप खा रहे हो ना उसका अगर कुछ बच गया, ये नहीं कि वेफर्स वगैरह बाहर का सामान, ये कुछ नहीं इंक्लूड होता है, वो चीज जो कि ग्रो होती है, ठीक है? ग्रो होती है, जैसे कोई सब्जी हो गई, टमाटर काटे, टमाटर का छिलका बच गया, प्याज का छिलका बच गया, उन सबको आपने जमा किया, चाय पत्ती बच गई, चाय पत्ती जमा कर दी एक बर्तन में, ठीक है? पूरे दिन में जितनी भी जमा हुई
उसको जाके आप क्या करोगे, एक बकेट लोगे, उस बकेट में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डालोगे, उसके ऊपर क्या करोगे आप वो सारी चीजें डालना शुरू करोगे, ठीक है। उस बकेट को रखोगे धूप में, अब क्या होगा धीरे धीरे वो क्या होगी, वो खाद बनने लग जाएगी, ठीक है। खाद मतलब मैनिक्योर, जो अच्छी सॉइल को फर्टाइल करने के लिए जो खाद होती है वो बनने लग जाएगी। अब आप क्या करोगे, जब वो खाद 3-4 महीने बाद अच्छी सी बन जाएगी, उस खाद को आप क्या करोगे अपने गार्डन में डालोगे, उसमें आप टमाटर के बीज लगाओगे और टमाटर उगाओगे। तो क्या हो गया, ये होगी ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपने वेजिटेबल्स को भी वेस्ट नहीं किया, उनके पील्स को भी वेस्ट नहीं किया, आपने उनका अच्छा सा यूज किया और उनके यूज से क्या होगी खाद बनी, उससे आप टमाटर खा रहे हो। तो ये क्या होगी, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। तो इससे क्या होता है, इससे एनवायरमेंट बिल्कुल खराब नहीं होता। तो यही चीज यहाँ बताई गई है कि इट डज नॉट इफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर। इसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया हमने, हमने बिल्कुल अपना घर के सामान से क्या किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग करी और इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। सबको करनी चाहिए अपने घर में। तो आज यही चीज हो गई है कि अ फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव अ ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू ग्रोइंग फूड ग्रेन्स ऑन द होल्डिंग्स एंड ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेज। इंडिया रूरल पॉपुलेशन इज 600 मिलियन विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर है। तो कहीं ना कहीं इंडिया की पॉपुलेशन, मतलब ये इकोनॉमिस्ट का मानना है कि फार्मर्स को जो है एक ही क्रॉप पे ध्यान नहीं देना चाहिए। 600 मिलियन पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, 250 मिलियन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड पे वो डिपेंड करती है। तो उसका ध्यान रखने का किसको है, फार्मर्स को है। तो फार्मर्स को खुद ही अपने बारे में सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए, उन्हें हाई वैल्यू क्रॉप्स जो है वो ग्रो करनी चाहिए। हाई वैल्यू क्रॉप्स ग्रो करोगे तो वो बिकेंगी भी महंगी, है ना, महंगी बिकेगी तो पैसा भी आप ही आया। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इससे इनकम भी इंक्रीज होगी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिकल हर्ब, फ्लावर्स, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोपा, ये जितनी भी है, शुगर गेन। इंडिया इज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यूड क्रॉप। तो हमारे इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ये इतना है कि वो हाई वैल्यू क्रॉप को जो है ग्रो कर सके। और अगर फार्मर्स का सिर्फ स्मॉल फार्मर्स के लिए सिर्फ एक यही सलाह दी गई है इस चैप्टर में कि लास्ट में कि आपको क्या है, आपको हाई वैल्यू क्रॉप जो है वो ग्रो करनी है। इससे क्या होगा, आपको इनकम भी अच्छी मिलेगी, लैंड डिग्रेडेशन भी नहीं होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो और ये चैप्टर भी समझ आया हो।